जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। आंखें मेरे उरी। दिख रही हूँ, आवाज आ रही है? थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने में लेट हो गया। मैं कुछ पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि तुम लोगों को पढ़ाऊं, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, DPD वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ रही थी मैं, तो थोड़ा टाइम लग गया उसको पढ़ने में। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तुम लोगों को चाहिए नहीं है, तो मुझे ज़्यादा उस पर दिमाग लगाना नहीं चाहिए। हाय, आपको मेरी आवाज़ सुन रही है क्या? मैं लाइव हूँ, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक। तीन डालने हैं, ऑक्सिन, जिबरलिंस। हाय, आ गए हो? चंडीगढ़ में बारिश हो रही है आज बहुत। सुनाई दे रहा है? टेस्ट है तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी का कल 3 बजे टेस्ट है, ठीक है? मेरी बात सुनो, जिन बच्चों को डर लगना शुरू हो गया, अच्छा तुम लोगों को पता चल गया तुम्हारा कोई पोस्टपोनमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं पोस्टपोन होगा, 17 जुलाई को ही पेपर होगा। और मैंने तुम लोगों को कहा था, कितनी बार मैंने तुम लोगों को कहा था कि पेपर भाई पोस्टपोन कुछ नहीं होना, चुपचाप पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। बट कोई बात नहीं, आई होप तुमने, मेजॉरिटी ऑफ तुमने मेरी बात सुनी होगी, जो भी बच्चे मेरी क्लास लगाते हैं, और तुमने ज़्यादा उस तरफ टाइम वेस्ट नहीं किया होगा जो ट्विटर पे चल रहा था कि पोस्टपोन करो करके। आई होप कि तुम लोगों ने वहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। सो देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों से, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि टीचर्स आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे, और तुम लोगों को लग रहा है यार ये तो हम लोगों का क्या चल रहा है, हमारा तो डिटेल्ड सिलेबस ही चल रहा है अभी तक, हम तो वहाँ पहुँचे ही नहीं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हमारा चल रहा है हमारे नंबर वहाँ से आ जाएंगे। तुमने प्लांट फिजियोलॉजी डिटेल में कंप्लीट कर ली, वहाँ से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है? इस पे भी आएंगे हम, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, इन सब पे हम लोग आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और दो चार दिन और बाद आएंगे, क्योंकि अभी मैं डिटेल्ड सिलेबस अभी भी करा रही हूँ, डिटेल मतलब रिवीजन अभी भी करा रही हूँ मैं, ठीक है? तो मॉक टेस्ट मैं कल से शुरू कर रही हूँ, पहले मैं सोची थी 1 जुलाई से शुरू करूँगी, तो 1 जुलाई से 10 जुलाई तक तो तुम्हारे फिक्स्ड है मॉक टेस्ट, 10:10 AM को सुबह सुबह 10 बजे हर रोज़ स्पेशल क्लासेस में। लिंक तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाइए, रितु रतेवाल टाइप कीजिए, वहाँ पे 71-72,000 बच्चों का ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। मैं दोबारा से रीसेंड भी करूँगी वो लिंक्स आज, और मैं सोचूँ कल भी तुम्हारा एक मॉक टेस्ट रख लूँ 10 बजे इफ़ पॉसिबल। अगर मॉक टेस्ट नहीं रखूँगी तो कोई कल कोई चैप्टर पढ़ा दूँगी, कोशिश, मॉर्फोलॉजी के भी नोट्स नहीं बन पाए तो मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा पाऊँगी, तो मैं देखती हूँ कि कौन से नोट्स तुम लोगों के बन पाएंगे वो पढ़ा दूँगी, नहीं तो एक मॉक टेस्ट मैं कल रख लूँगी। 3 बजे कल प्लांट फिजियोलॉजी का मॉक टेस्ट है, तैयार हो जाओ, पूरे 5 के 5 चैप्टर ढंग से पढ़ लो, NCERT से क्वेश्चन बना के दूँगी, फिर मत कहना ये मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है? आज तुम्हारा मॉक टेस्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 3 बजे, वो भी तुम लोगों ने आज लगाना ही है। मैंने बहुत अच्छे, हमारी टीम ने क्वेश्चंस बनाए हैं, 145 क्वेश्चंस हैं NCERT से ढूंढ के, ठीक है? NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस हैं, तो अगर तुमने NCERT नहीं भी पढ़ी होगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अच्छा ये NCERT की ये लाइन, तो तुम्हारी पूरी NCERT रिवाइज हो जाएगी। मॉक टेस्ट है 3 बजे, सभी का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, ये ज़रूरी चीज़ है तुम्हारे लिए, ठीक है जी? फाइनली प्लांट फिजियोलॉजी का सुपर फास्ट, नहीं आदित्य सुपर फास्ट रिवीजन का अभी टाइम नहीं है, जितना मैं प्लांट फिजियोलॉजी के लिए रिवाइज करा सकती थी मैंने करा दिया है। अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं तुम्हें NCERT की लाइन बाई लाइन मार्क करा के पूरी प्लांट फिजियोलॉजी एक बार में कंप्लीट करा दूंगी, बट नाउ इज़ नॉट द टाइम। और उसमें मैं सिर्फ क्या कराऊंगी, मैं गोले मारूंगी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये वर्ड्स देख लो, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक्सप्लेन जितना करना था मैंने कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट टारगेट है प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट करना, उसके नोट्स बन रहे हैं, जैसे ही वो नोट्स बन जाते हैं मैं इस पे यूट्यूब पे पढ़ा दूंगी तुम लोगों को। मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, अब आखिरी लड़ाई का टाइम आ गया है, 17 दिन रह गए हमारे पास, 17-18 दिन जितने भी रह गए, पूरी जी जान से झोंक दो, कोई बड़ी बात नहीं है,
330 340 350 टच करना कोई बड़ी बात नहीं है, और हम लोग करेंगे और तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुमने बायोलॉजी में ऐसे 340 350 टच कर दिया ना, और तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी अगर तुम्हारी चल रही है, तो मैं तुम्हें 340 350 टपवा दूंगी बेटा, ठीक है? जो मेरे से बन पड़ेगा सब कुछ कर दूंगी तुम्हारे लिए। चलो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट शुरू करते हैं। अनअकैडमी पे हमारे बैचेस चल चुके हैं, हमारे क्या मतलब बाकी टीचर्स के बैचेस तो चल ही रहे हैं, मेरे भी बैचेस शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको पूरा साल आपके साथ बने रहते हैं और हम आपके यू नो सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं। मैं बायोलॉजी की और मेरे साथ जो मेरे टीचर्स क्या मतलब जो हमारी टीम है वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ कराएगी। अनअकैडमी प्लस पे इस वक्त 35 से अधिक टीचर्स हैं जो आपको नीट की वो दे रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, ठीक है? तो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, दोनों में लाइव क्लासेस चलती हैं, दोनों में टेस्ट होता है। आइकॉनिक में आपको एक अलग से मेंटर मिलता है, आपके नोट्स फोटोस्टेट होकर आपके घर पे आ जाते हैं, ठीक है? आपको एक टाइम टेबल मिलता है प्रॉपर, आपको वीकली शेड्यूल मिलता है, आपको ये करना है इस तरीके से। सो वो ज़्यादा और भी ज़्यादा गाइडेड और मेंटर्ड कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज लेने के लिए आपको कोड डालना है RITU ऋतु 10% ऑफ के लिए। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? वहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, नीट UG कैटेगरी पे जाना है, फिर एक या दो साल जो भी चूज़ करना है वहाँ नीचे कोड आएगा। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट समय है, 27, 28, 29, 30, ये चार दिन आपको कोड ऋतु डालने पे, RITU डालने पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है 10 के जगह, तो आपकी फ़ीस वैसे ही 20% कम हो जाती है, ठीक है? अभी 20% वाला चल रहा है 30 तारीख तक। ये मेरा 2024 का बैच है, गुरुकुल बैच, जिसमें कोमल मैम, शुभम सर, मैं, नितेश सर और विनोद सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये हमारा मॉक टेस्ट का सीरीज है भैया। अनअकैडमी 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रही है आपको, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ बिल्कुल नीट पैटर्न पे होगा, ठीक है? तो ये है जुलाई 2 को, जुलाई 9 को और जुलाई 16 को, ठीक है? जून वाला तो हो गया, जुलाई के अभी 3 बचे हुए हैं, तो ये आप सब्सक्राइब ले सकते हो। ये आप अनअकैडमी के ऐप पर चले जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन खरीदने का। इसमें भी कोड RITU डालोगे तो आपका क्या कहते हैं ऑफ मिल जाएगा आपको। आइए मेरी बात सुनो, जो मैं बताती जाऊँ ना ध्यान से सुनते जाना, जितना सुन लोगे उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे। देखो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स चैप्टर के ना 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक तो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स ये वाला शॉर्ट डिस्टेंस वाला, कि एक सेल है सेल के अक्रॉस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है? या सेल के अंदर ही कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। एक पार्ट तो अपन ये पढ़ेंगे, इससे जो क्वेश्चंस आएंगे मैं वो तुम्हें बताऊंगी। फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है पूरे प्लांट में, इसमें सेल की नहीं बात आएगी, इसमें पूरे प्लांट की बात आएगी कि भैया यहाँ पे लीफ में अगर ग्लूकोज बन रहा है तो ये ग्लूकोज रूट तक कैसे पहुँच रहा है, और इस प्लांट की रूट्स यदि पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं तो ये पानी ऊपर तक कैसे पहुँच रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ही लंबे प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? और इसके बीच में एक टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन का, जिसमें आपको डर लगता है थोड़ा, पर डरने की ज़रूरत है नहीं। पहली बात तो उससे क्वेश्चंस ही कम आ रहे हैं, ठीक है? और जो आ रहे हैं वो ईजी आ रहे हैं, NCERT से आ रहे हैं, ठीक है? इस चैप्टर से आप एक आधा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हमारे लिए तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रही हूँ आपको 340 नंबर के क्रॉस करना है, तो मेरी बात सुनो, 100% सिलेबस को 10 बार रिवाइज करोगे तब जाके 340 प्लस आएगा। हलवा नहीं है 340 प्लस लाना, ठीक है? ये नहीं कि 360 वालों को ही करना पड़ता होगा, मैम पूरे चैप्टर 340 वाले तो छोड़, नहीं, जो चैप्टर छोड़ेगा वो 320 पे अटक जाएगा। ध्यान रखो, चैप्टर नहीं छोड़ने हैं, चैप्टर से कॉन्फिडेंस आता है, एक एक चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है। दिस इज हाउ यू बिल्ड योर स्कोर, बाय नॉलेज एंड बाय कॉन्फिडेंस। और जैसे जैसे चैप्टर छोड़ोगे वैसे कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा, जो क्वेश्चन आते भी होंगे वो भी गलत होने लग जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे लगे यार मुझे क्या ही आता है, चैप्टर कोई नहीं छोड़ना, ठीक है? तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में क्या है, जिसमें कोई एनर्जी खर्च ना हो, एक्टिव में ATP खर्च होता है, ए से एक्टिव, ए से ATP। पैसिव क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मतलब जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उससे अपने आप ही मूव करता है जहाँ कम कॉन्सेंट्रेशन है उसकी तरफ। एक्टिव में क्या है, जहाँ कम कॉन्सेंट्रेशन है उससे ज़बरदस्ती आप पुश करोगे जहाँ वो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये तो ज़बरदस्ती की बात है।
हमेशा चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ तो अपने आप जाती हैं, है ना। जैसे कहीं पे पानी ज़्यादा है तो वो कम पानी की तरफ जाएगा, जैसे पानी का लेवल है मान लो दो टैंक्स में, दोनों टैंक्स को कनेक्ट कर दो तो ज़्यादा पानी से इधर जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करोगे, कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाओगे, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसके बाल पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, ऐसे जाएगा ही नहीं वो कोई भी सब्सटेंस। इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऊपर जैसे आपको जब हिल पे चढ़ना होता है तो आपकी एनर्जी खर्च होती है ना, अप हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का है, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में क्या है, बिना किसी मेम्ब्रेन के चीज़ें इधर से उधर क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, और मेम्ब्रेन भी हो सकती है, डिफ्यूजन में बीच में मेम्ब्रेन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो गैसेज हैं, गैसेज तो डिफ्यूजन से ही मूव होती है, जैसे O2 को सेल के अंदर जाना है तो वो इजीली बस मूव कर जाएगी, इसको कोई प्रोटीन नहीं चाहिए, सम प्रोटीन जिसके अंदर से वो निकले, नहीं वो बस बायलिपिड लेयर में से निकल जाएगी, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, स्पेशली यहाँ पे प्रोटीन लगे होते हैं, वो प्रोटीन की हेल्प से अंदर बाहर जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन लगे होते हैं, जो पंप्स होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। आओ आगे बात सुनो, सबसे पहले डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लें। इट्स अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई एनर्जी नहीं लगेगा ना, अब जैसे यहाँ पे परफ्यूम मार दूँ मैं कमरे के कोने में, तो थोड़ी देर में पूरे कमरे में परफ्यूम यू नो फैल जाएगा, क्यों, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन थी परफ्यूम की, फिर वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई, क्योंकि पूरे कमरे में उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, सो हायर से लोअर अपने आप फैल गया, है ना, मुझे कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सिमिलरली सेल के आर पार भी, इवन मेम्ब्रेन के आर पार भी अगर कोई चीज़ नॉर्मली क्रॉस कर रही है यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, और कोई आपने यहाँ पे आपको किसी प्रोटीन की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कुछ नहीं पड़ रहा है इसमें, तो ये डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे बायोलिपिड मेम्ब्रेन ऐसे होती है ना, यहाँ पे लिपिड होते हैं, यहाँ पे भी लिपिड होता है, बायोलिपिड लेयर होती है ना, तो ईजिली कोई भी चीज़ यहाँ से ऐसे निकल रही है इनके बीच में से, ये डिफ्यूजन है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर, सेल के अंदर भी हो सकती है या सेल टू इंटरसेलुलर स्पेस में भी हो सकती है, सेल के अंदर भी ऐसे मूवमेंट हो सकती है और आर पार भी हो सकती है, नॉट डिपेंडेंट अपॉन अ लिविंग सिस्टम। जैसे मैंने परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया, लिविंग सिस्टम पे तो डिपेंडेंट नहीं है, उसको सेल नहीं चाहिए ना डिफ्यूजन को होने के लिए। सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओनली मीन्स ऑफ गैसेस, जितनी बॉडी में गैसेज मूव करती हैं वो सब डिफ्यूजन से मूव करती हैं। अब तुम कहोगे मैम गैसेज तो RBC से मूव करती हैं, O2 तो RBC से मूव करती है, बेटा वो नहीं मैं मूवमेंट कह रही, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सभी गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन से मूव करती हैं। आगे आएंगे, डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय, ये ध्यान रखो, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कितना डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, इनकेस मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो मेम्ब्रेन के लिए परमेबल है भी या नहीं, मान लो इम्परमेबल है तो निकलेगा नहीं, डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता, है ना। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा मूवमेंट, उतना ज़्यादा मूवमेंट फास्ट, डिफ्यूजन फास्ट। प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा मूवमेंट फास्ट। साइज ऑफ सब्सटेंस, जितना छोटा सब्सटेंस उतनी मूवमेंट फास्ट। ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, आपका जो सब्सटेंस है वो बायोलिपिड लेयर में से नहीं निकल पा रहा, क्योंकि बायोलिपिड लेयर में से वही चीज़ें निकल पाती हैं जो लिपिड सॉल्युबल हो, जैसे जो गैसेज हैं वो लिपिड सॉल्युबल हैं, बायोलिपिड लेयर में से वही चीज़ें निकल पाती हैं जो लिपिड सॉल्युबल हैं। तो जो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल नहीं है, जो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल है, वो कैसे निकल पाएगा अभी इस मेम्ब्रेन में से, नहीं निकल पाएगा। तो हम उसके लिए रास्ते बना देंगे, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स डाल देंगे, ऐसे प्रोटीन की सुरंग बना देंगे, इस प्रोटीन में से इजिली निकल पाएगा वो फिर, क्योंकि प्रोटीन्स विल अलाउ पोलर मॉलिक्यूल्स टू पास, ठीक है। लेकिन है वही, कोई ATP नहीं है, सिर्फ यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। पैसिव डिफ्यूजन अकरिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स फॉर हाइड्रोफिलिक मॉइटीज, ठीक है। अब दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन में बीच में रास्ता है, जो आपका हाइड्रोफिलिक या लिपोफोबिक मटीरियल है वो ईजिली निकल गया, जो हाइड्रोफिलिक है वो लिपोफोबिक तो हो गई, बीच में से निकल गया। कैरियर प्रोटीन में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है वो यहाँ से पकड़ के ऐसे घूम जाता है चुक, और फिर यहाँ फेंक देता है, तो ऐसे शेप चेंज करता है प्रोटीन कैरियर प्रोटीन में। चैनल प्रोटीन में कोई शेप चेंज नहीं है, बीच में से रास्ता है, वहां से निकल जाता है।
सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन एंड सम कैन बी कंट्रोल्ड. कुछ चैनल्स बंद हो जाती हैं, कभी कभी खुल जाती हैं, कभी कोई चैनल्स होती हैं जो हमेशा ही खुली रहती हैं. पोरिंस, पोरिंस बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की आपको जो मेम्ब्रेन होती है उसमें मिलती हैं, और आपको बैक्टीरिया से आए हुए जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसकी सेल मेम्ब्रेन में भी बड़े बड़े छेद मिलते हैं. नाम से पता चल रहा है, पोरिंस, पोर्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है. फ्रॉम लार्ज पोर्स फॉर्म, फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म, फ्रॉम नहीं, फॉर्म लार्ज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया. ये कहाँ मिलते हैं तुम लोगों को पता होना चाहिए. प्लास्टिड में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, सम बैक्टीरिया मिलते हैं, अलाउइंग इवन स्मॉल प्रोटीन्स टू पास. इतने बड़े पोर्स होते हैं कि स्मॉल प्रोटीन्स तक निकल जाते हैं इसमें से, ठीक है. वाटर चैनल क्या होती है, ऐसे प्रोटीन्स जिनमें से वाटर पास हो जाए. जैसे मान लो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे वाटर चैनल होएगी, ठीक है, इससे वाटर मॉलिक्यूल ईजिली पास हो जाएगा क्योंकि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. तो लिपिड बायलेयर में से उसमें उसका निकलना कितना मुश्किल है. वाटर के कहाँ से निकलू, कहाँ से निकलू, लेकिन हम कहेंगे चल कोई बात नहीं, तेरे लिए अलग से प्रोटीन लगा देते हैं, तू यहाँ से निकल जा, ठीक है. इनको वाटर चैनल्स बोलते हैं. वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. जिन प्रोटीन्स से वाटर चैनल बनती है उन प्रोटीन्स को एक्वापोरिन्स बोलते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि लिपिड बायलेयर से निकलेगा ही नहीं, लिपिड बायलेयर से निकलेगा लेकिन थोड़ा निकलेगा, मेजॉरिटी वाटर चैनल्स में से निकलेगा. वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स. मतलब ये प्रोटीन्स हैं, 8 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं जिससे वाटर चैनल बनी है, ठीक है. पैसिव सिंपोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स क्या होते हैं, देखो ये प्रोटीन है जिसमें से कोई सब्सटेंस निकल रहा है, ठीक है. अगर कोई सब्सटेंस अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है और सिंगल सब्सटेंस निकल रहा है तो उसको यूनिपोर्ट कहते हैं. ये PYQ आया हुआ आई थिंक यहाँ से, ठीक है. यदि कोई सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन पे आया यहाँ पे और उसको उधर जाना है, लेकिन ये प्रोटीन कहता है कि मैं एक को नहीं निकलने दूंगा. जब ए को मैं यहाँ से यहाँ निकलने दूंगा तो यहाँ से बी को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है. तो बी यहाँ से यहाँ जाना तो चाह रहा था लेकिन इसको निकलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, परेशान था बेचारा कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा. तो ए कहता कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं भाग के निकलूँगा तो बी के हाथ पकड़ के ऐसे फेंक दूंगा उस साइड पे. तो जब दो मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. एंटी मतलब उल्टा, ठीक है. सिंपोर्ट में क्या होगा, जब ए निकलेगा तो ए बी का हाथ पकड़ के अपने साथ ही ले जाएगा इधर. तो सेम डायरेक्शन में जब दोनों मूव करेंगे इसको बोलेंगे सिंपोर्ट. तो जब दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कंबाइंड होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कंबाइंड होता है, लिंक्ड होता है, ठीक है, तब उसको हम सिंपोर्ट या एंटीपोर्ट कहते हैं. अगर अकेला ही जा रहा है तो उसको यूनिपोर्ट कह देते हैं. अब दो मॉलिक्यूल्स का कैसे कंबाइंड है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों तो उसको एंटीपोर्ट कह देते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको सिंपोर्ट कह देते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लिपिड बायलेयर है, कोई चीज इधर से उधर जा रही है लेकिन जा नहीं पा रही तो यहां पे आप प्रोटीन लगा दोगे. जैसे कि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में लगाया था, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन लगाया था, लेकिन ये प्रोटीन बड़ा हरामी किस्म का है. ये कहता है मेरे ऊपर ATP बारो, खर्चो ATP मेरे ऊपर, ATP से ADP बनाओ, मुझे एनर्जी दो, तभी मैं ट्रांसपोर्ट करूँगा ए का इधर से इधर या उधर से उधर. सो ये क्या है, यहाँ पे ए की लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पुश करता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट करता है इसका, ठीक है प्रोटीन ही. सो uses energy to pump molecules against a concentration gradient, uphill transport by proteins. अब comparison करना है, देखो facilitated diffusion, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही प्रोटीन से होते हैं, तो दोनों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं. जैसे कि जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा होता है, चाहे वो फैसिलिटेटेड हो चाहे वो एक्टिव हो, वो, चलो मैं बताती हूँ यहाँ से, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन. सिंपल डिफ्यूजन में नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड में चाहिए, एक्टिव में चाहिए, ये तो आसान है.
हाईली सेंसिटिव बेटा, हाईली सिलेक्टिव वो होगा जिसके पास सिलेक्शन की पावर होगी कि मैं चाहता हूँ कि ये निकले और ये ना निकले। तो बेटा ऐसी पावर प्रोटीन्स के पास होती है। जब प्रोटीन्स के अंदर से कोई चीज़ निकलती है तो प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं मैं किसको निकालना चाहता हूँ किसको नहीं, ठीक है। जैसे चैनल्स होती हैं बड़ी स्पेसिफिक होती है, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, तो वो सोडियम को ही निकलने देगी अगर सोडियम चैनल है, तो पोटेशियम चैनल तो पोटेशियम को ही निकलने देगी, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो फैसिलिटेटेड हो। अगर प्रोटीन से बना है तो वो होगा सिलेक्टिव होगा, यहाँ तो प्रोटीन ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, आप मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो एक पर यूनिट टाइम, एक मिनट में, एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अगर प्रोटीन के थ्रू निकल रहा है तो देर इज़ अ क्या कहते हैं मैक्सिमम नंबर जो निकल सकता है, उसके बाद नहीं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। जैसे गेट है, गेट से एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है ना जो निकल सकते हैं। डिफ्यूजन में क्या, डिफ्यूजन में कोई गेट नहीं, जितने मर्जी निकल जाओ। तो इसका ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं है, इसका भी है, इसका भी है। देन अपहिल ट्रांसपोर्ट, एनर्जी के साथ होके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना, ना ये जाएगा ना ये जाएगा, सिर्फ ये जाएगा, ठीक है। देन रिक्वायर्स एटीपी, ना ये सिर्फ ये। क्लियर हो गया, आगे चलो। अच्छा मैंने अपने गले को थोड़ा आराम देना चाह रही हूँ। वैसे मैंने एक या दो दिन से क्लास नहीं ली थी यूट्यूब पे, गला मेरा दुख रहा है, मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, कल मैं तुम्हारे शायद 10 बजे भी मॉक टेस्ट ही लूँगी, बोलने की क्लास ना ही लूँ तो मैं अच्छा है, ठीक है। तो कल मैं तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी का मॉक टेस्ट ले लूँगी 3 बजे, और सुबह 10 बजे होल सिलेबस मॉक टेस्ट ले लूँगी। मैंने बनाई नहीं है 10 बजे वाली क्लास, अभी बना के टेलीग्राम पर डाल दूँगी। प्लांट वाटर रिलेशंस, देखो एक पार्ट तुमने ख़त्म कर लिया, पहला शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, उसमें तुमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तुम्हें तीनों क्लियर हैं, तीनों के क्राइटेरिया क्लियर हैं। अब जो दूसरा पार्ट है वो है प्लांट वाटर रिलेशन, इसको ध्यान से सुनो। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट, हमें पता है, ठीक है। वाटर ट्रांसपिरेशन से उड़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो सिर्फ 1% वाटर लगता है, बाकी 99% वाटर तो उड़ जाता है ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशनल पुल बनाने के लिए मदद करता है वाटर। वाटर मेलन में 92% वाटर है, हर्बेशियस प्लांट्स में 10-15% ऑफ फ्रेश वेट है, और सीड में 10-15% वाटर है। ये बातें थोड़ी सी रट लेना, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट यार अब क्या पता किस्मत कैसे निकल आए। तो वाटरमेलन में 92% है, हर्बेशियस प्लांट में 10-15% ऑफ फ्रेश वेट है, और सीड में 10-15% वाटर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। वाटर पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। भैया जितना मैंने बताया था तुम्हें, जो वाटर है वो पति की तरह है और जो उसमें सोल्यूट डलेगा वो बीवी की तरह है। तो जब पति खुला है, उसमें कोई बीवी नहीं है, तो वो कहीं भी घूमेगा, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल उसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इट डिक्रीजेज एज सोल्यूट इज एडेड। जब पत्नी उसमें डल जाएगी, सोल्यूट डल जाएगा, तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, कहेगा हाय हाय मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो बीवी रास्ता रोक लेती है हर जगह। सो प्योर वाटर हैज़ द हाइएस्ट वाटर पोटेंशियल। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन भी है। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसी सॉल्यूट का नहीं होता, प्योर वाटर का होता है। कुछ भी नहीं समझ में आता ना कि वाटर पोटेंशियल क्या होती है, बस इतना लर्न कर लो कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होता है, जीरो। जीरो से ज़्यादा आज तक किसी का वाटर पोटेंशियल नहीं हो पाया, बाकी वाटर पोटेंशियल सब नेगेटिव में जाता है, जीरो इज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, ध्यान रख लो, ठीक है। विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहे हो तो 0 पास्कल, ठीक है, पास्कल इज द यूनिट। देन सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी जिसे कहते हैं, जब तुम पानी में उसकी बीवी डाल दोगे, सॉल्यूट डाल दोगे, तो सॉल्यूट उसका पोटेंशियल कम कर देगा, कहाँ जा रहे हो मत जाओ, मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, उसके खड़ा हो जाएगी, कहेगी कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, वाटर का पोटेंशियल कम हो गया। तो सॉल्यूट से पूछा गया, बीवी से पूछा गया कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, मैडम आपका पोटेंशियल क्या है, तो बीवी ने कहा मेरा पोटेंशियल यही है कि मैं अपने पति का पोटेंशियल कम कर देती हूँ। सो सॉल्यूट पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। जितना, जैसे प्योर वाटर का 0 था,
सल्यूट डालने से प्योर वाटर का हो गया वाटर पोटेंशियल -2। ठीक है, मान लो पहले वाटर पोटेंशियल 0 था, फिर सल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल -2 हो गया। तो बेटा सल्यूट पोटेंशियल भी -2 है। सल्यूट पोटेंशियल इज नथिंग बट सल्यूट के डलने से कितना वाटर पोटेंशियल नीचे गया है वही सल्यूट पोटेंशियल है। तो सल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि सल्यूट डलने से हमेशा वाटर पोटेंशियल नीचे ही जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 0 से। तो सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान रखो। द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल, ऑलवेज नेगेटिव फॉर सोल्यूशन एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाओगे देन वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा जब सोल्यूट डलेगा। तो जितना वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है वही सोल्यूट पोटेंशियल है, तो दोनों का ही साइन नेगेटिव होगा। सोल्यूट में वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव है, सोल्यूट पोटेंशियल भी नेगेटिव है, और वो इक्वल हैं दोनों। देन प्रेशर पोटेंशियल, अगर आप कहीं से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाते हो तो वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर लगाते हो तो वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर देता है। इफ़ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर सोल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इंक्रीज इज प्रेशर पोटेंशियल। तो ये आपने याद रखना है, नॉर्मल कंडीशंस में अगर एक्सटर्नल प्रेशर भी लगाया जा रहा है तो ये वैलिड स्टेटमेंट है कि वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, प्रेशर पोटेंशियल पुश है तो पॉजिटिव ही होएगा, अगर प्रेशर से पुल कर रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा। ये स्टेटमेंट याद रखो, ये भी PYQ है। आगे चलो, ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल, एक्चुअली सेमी परमिएबल ज्यादा सही वर्ड है, सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल वर्ड ज्यादा सही है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? वाटर की मूवमेंट एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को। एक जगह वाटर पोटेंशियल -2 दे दिया, एक जगह -5 दे दिया, तो बोला बताओ इधर से इधर मूव करेगा इधर से उधर मूव करेगा, तो भैया -2 वाला ज़्यादा है, -5 वाला नीचे है, तो -2 से -5 की तरफ मूव करेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दो इसको। वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम बोथ चैम्बर्स विल हैव नियरली सेम वाटर पोटेंशियल। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मतलब समझ रहे हो, मान लो जैसे कि ये चैम्बर है ए और बी, इसमें वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, इसमें वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा है ए और बी में, जो वाइट कलर में हुए सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड आ जाएगा बेटा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। भाई इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा है क्योंकि इसमें सोल्यूट कम है, सोल्यूट ही तो वाटर पोटेंशियल को नीचे गिराता है। देखो ये रहा सोल्यूट, ये रहा सोल्यूट, ये रहा सोल्यूट, कम है सोल्यूट, जितनी बीवी कम है उतना वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, जितनी बीवियां ज्यादा हैं वाटर का पोटेंशियल उतना ही कम है। सो वाटर कहाँ मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा, ए टू बी मूव करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। हाँ सिटी रिलीज कर दी है NTA ने कि आपको कौन से सिटी में आपका सेंटर आएगा, वो रिलीज कर दिया है। हाँ मॉक टेस्ट में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मॉक टेस्ट में मैं चुपचाप बैठ जाऊँगी मुँह सिल के, मैं क्वेश्चन दूंगी आंसर, रैपिड फायर राउंड चलेगा, बाद में तुम लोगों को दिखा दूंगी तुम में से कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। भैया बीवी जितनी कम है उतना ही हाई वाटर पोटेंशियल है, जितनी बीवियां ज़्यादा हैं उतना ही लो वाटर पोटेंशियल है, एंड वाटर विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ऐसे भी याद कर सकते हो। सोल्यूट बीवियां होती हैं, वाटर पति होता है, जहाँ ज़्यादा बीवी होती है पति वहीं भागता है। सो यहाँ पति ज़्यादा है, यहाँ बीवियाँ ज़्यादा, पति बीवियों की तरफ ही तो भागेगा, ऐसे याद रखो।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ये ले लो, क्या कहते हैं, क्या ये फनल सी ले लो, ये फनल नीचे से खुली हुई है, इस फनल के मुंह पे एक सेमी परमिएबल कपड़ा बांध दो, ठीक है। इस फनल में सुक्रोज सॉल्यूशन भर दो, चीनी वाला पानी भर दो, यहाँ पे प्योर वाटर भर दो। अब मुझे बताओ, ये मान लो ए है और अंदर बी है, तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल किसका है, ए का या बी का? वाटर पोटेंशियल ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा, जल्दी बोलो, ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है वाटर पोटेंशियल? मैंने अपना सेंटर चेक नहीं किया अभी आदित्य, जल्दी बोलो। ये ए जो है वो प्योर वाटर है, ये चीनी वाला पानी है, तो भैया वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हैं? किस कहाँ ज्यादा शक्ति है वाटर में, बताना मेरे को, यहाँ ज्यादा शक्ति है कि यहाँ ज्यादा शक्ति है? भाई जहाँ औरत का चक्कर नहीं है वहीं ज्यादा शक्ति है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। बताया तो है प्योर वाटर का जीरो होता है, सॉल्यूशन का तो हमेशा नेगेटिव में जाएगा, इसका जीरो है, इसका नेगेटिव में है, इसका नेगेटिव में है, तो ऑब्वियसली इसका वाटर पोटेंशियल, सॉरी आई एम सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ, यहाँ औरत है ना बाबू भैया, औरत का चक्कर, यहाँ सुक्रोज है ना, तो इसका तो नेगेटिव है, इसका जीरो है, तो इसका हायर है, तो ऑब्वियसली वाटर यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से तो जा नहीं सकता, ये तो ग्लास की बनी हुई है, ग्लास या प्लास्टिक जिसका भी बना हुआ है, यहाँ से तो जा नहीं सकता, जाने की कहाँ से कोशिश करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, है ना, जाएगा भी, लेकिन हमने जाना नहीं देना। हम क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ से प्रेशर मारो, यहाँ से एक ढक्कन सा लगा लो ऐसे, जैसे सिरिंज का ढक्कन होता है, यहाँ से प्रेशर मारो। आपको कितना प्रेशर मारना पड़ रहा है कि पानी अंदर ना जाए, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब कुछ प्रेशर से पानी अंदर जा रहा है, कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, और वो प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, कितने प्रेशर से ऊपर जाना चाह रहा है। जितनी औरत अंदर भरी हुई है, जितनी ज़्यादा औरत उतनी ये लोग मचल रहे हैं अंदर जाने के लिए, जितना ज़्यादा सल्यूट उतना ज़्यादा मचल रहे ना कि हमें अंदर जाने दो यार, है ना, तो हमें उतना ही जोर लगाना पड़ रहा है, हमें अपना दरवाजा बंद रखने के लिए उतना ही जोर लगाना पड़ रहा है, ऊपर से धक्का मारना पड़ रहा है पानी को नीचे, यही ऑस्मोटिक प्रेशर है, कि इस वाटर को अंदर जाने से रोकने के लिए एग्जैक्टली कितना प्रेशर मारना पड़ेगा, दैट विल बी ऑपोजिट टू द प्रेशर दैट इज बींग अप्लाइड बाई वाटर हियर। वाटर जितना प्रेशर अंदर जाने के लिए मार रहा है, उतना ही प्रेशर हमें ऊपर से मारना पड़ेगा ताकि वाटर अंदर ना जाए, यही ऑस्मोटिक प्रेशर है, द प्रेशर अप्लाइड सो दैट वाटर कैन नॉट गेट इन। और ये किस चीज़ का वो है, किस चीज़ का वो फंक्शन है, ये कितना चीनी है अंदर उसका फंक्शन है, जितनी ज़्यादा चीनी उतना ही बेचैन पति, जितना बेचैन पति उतना ही ज़्यादा प्रेशर मारेगा अंदर जाने के लिए, उतना ही प्रेशर हमको इधर से ऑपोजिट मारना पड़ेगा। सो जितना इसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हमें यूज़ करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखेंगे। प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज अ फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखो। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक ही बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वलन टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जस्ट द साइन इज ऑपोजिट। ऑस्मोटिक प्रेशर का पॉजिटिव साइन होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का नेगेटिव साइन होता है। सल्यूट पोटेंशियल का एक और नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, देखो सल्यूट पोटेंशियल को ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। सो सल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनकी वैल्यू सेम होंगी, जस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल तो एक ही है, वो नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखो। कुछ समझ में आ रहा है कि सब निकल जाएगा हवाई जहाज की तरह सिर के ऊपर से? इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्लाज्मोलिसिस, जल्दी बताओ। आज मैं सुबह उठ गई 3:30-4 बजे, कुछ काम था, तो अब मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मेरी शक्ल आलू जैसी बनी हुई है आज। मन तो कर रहा था आज क्लास ना लूँ यार, बहुत ऐसे फील हो रहा है, फिर मैंने सोचा भाई ऐसे कब तक चलेगा यार, पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की 2 दिन कैंसिल हुई बीमार की वजह से, गला दर्द हो रहा था,
अब तुम सो नहीं पाई हो तो तुम फिर कैंसिल कर दोगी, तो नीट कैसे देंगे बच्चे, नीट कैसे देंगे और तुम कैसे नीट दोगी। फिर मैंने सोचा भाई जो भी है अपनी आलू जैसी शक्ल लेके क्लास में चले जाओ, लेकिन पढ़ो और पढ़ाओ, कुछ तो रिवाइज होगा। एक चैप्टर रिवाइज होना बहुत बड़ी बात होती है, 38 तो सारे चैप्टर्स हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का डाला हुआ है वन शॉट, प्रियंका पढ़ती है नहीं है, देखती नहीं है यूट्यूब पे। चलो अब मेरी मेन चिंता का विषय रह गया, फर्स्ट यूनिट तो हमने कर ही लिया, लिविंग वर्ल्ड रह गया। लिविंग वर्ल्ड तो वन शॉट करवा दूंगी मैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनिमल किंगडम नहीं कराऊंगी, टाइम नहीं है अभी एनिमल किंगडम कराने का, खुद करो, वन शॉट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। मॉर्फोलॉजी नेट भी रह गया, मेरी दिक्कत का कारण एक पूरा सेल वाला यूनिट पड़ा हुआ है, फिर मेरे को कराना है रिवीजन। रिवीजन माने अब देखो ये शॉर्ट वाले वन शॉट रिवीजन तो हो गए, फिर मेरे को करानी है पूरी एनसीईआरटी रिवीजन, जैसे एक यूनिट का रिवीजन करा दिया, जैसे इकोलॉजी लेके बैठ गए एक दिन तुम और मैं, ठीक है 30-70 स्क्रीन कर लेंगे इस पे, यूट्यूब पे करा दूंगी अगर हो सका तो, 30-70 स्क्रीन कर लेंगे, मैं बैठ जाऊँगी चेयर पे, ठीक है तशरीफ नीचे रख के आराम से ताकि लेग्स में पेन ना हो, ठीक है, और तुम बैठ जाना अपने अपने घरों में अपने अपने टेबलों चेयरों पे अपनी एनसीईआरटी लेके, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी लगा लूँगी स्क्रीन पे, और फिर बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, मैं पढ़ूँगी तुम सुनना, तुम पढ़ना मतलब तुम सुन के मार्क करते रहना, मैं बताती जाऊँगी ये लाइन मार्क करो, ये मार्क करो, ये वर्ड मार्क करो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा भी रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। फिर क्या है रीइन्फोर्स हो जाएंगी चीज़ें, भूलेंगे नहीं फिर हम एग्ज़ाम में कि यार ये कहाँ से आ गया, जैसे इकोलॉजी में इतना सारा कंजर्वेशन में कितना डेटा ही डेटा है, तो एक बार पढ़ लेंगे ना बैठ बैठ के, तो ऐसे पूरा रिवाइज कर डालेंगे। अब तो अपन ने पढ़ ही लिया है, अब तो कुछ ज़्यादा बड़ी बातें रही नहीं हमारे लिए कुछ भी, बट फिर भी ऐसे फिर एक दिन मतलब ऐसे ऐसे यूनिट्स करने की कोशिश करूँगी फिर मैं तुम्हारे साथ। ओ प्लाज्मोलाइसिस में देखो क्या होता है, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। पहली बात तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, हम सेल को अलग अलग प्रकार में सोल्यूशन अलग अलग प्रकार के सोल्यूशंस में डाल के देखेंगे, और सेल का क्या हाल होता है वो हमें देखना है कि क्या होगा। और हमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सेल को आइसोटोनिक में डाल दिया तो क्या होगा, सेल को हाइपोटोनिक में डाल दिया तो क्या होगा, सेल को हाइपरटोनिक में डाल दिया तो क्या होगा, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, दैट मीन्स जिसमें चीनी की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर, मतलब चीनी नहीं यार अपने को वो बोलना चाहिए ऑस्मोलाइट बोलना चाहिए या सोल्यूट बोलना चाहिए, जहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पानी में सेल से भी ज़्यादा है, जितनी सेल की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना सोल्यूट की, उससे कहीं ज़्यादा सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जिस पानी में उस सेल को रखा गया है उसकी है। हाइपर, ध्यान रखना ये बात, हाइपर का मतलब है ज़्यादा, ज़्यादा सोल्यूट, ठीक है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक मतलब जितना सोल्यूट यहाँ पे है उतना ही सेल के अंदर है, इक्वली सोल्यूट है, आइसो मतलब सेम है ना। हाइपोटोनिक होता है कम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयंस थे, देखो सेल में तो आयन सेम ही है ना हर जगह, वाटर फर्क हो रहा है, वाटर में बिल्कुल ही कम सोल्यूट है, ठीक है। तो क्या होगा उसको अपन ने ध्यान रखना है, ठीक है। अकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, अच्छा तीन केसेस होंगे, सो तीन केसेस होंगे, ठीक है। तीन केसेस में पहला केस मैं ले रही हूँ हाइपरटोनिक वाला, जब आपने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट वाले पानी में आपने सेल रख दिया, तो अब तुम देखो सीधी सी बात ये सोच सकते हो जहाँ ज़्यादा औरतें हैं वहीं पे पानी बहेगा, तो ज़्यादा औरतें तो बाहर हैं यहाँ पे, सोल्यूट यहाँ पे ज़्यादा है, हाइपरटोनिक है ना, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो बेटा सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर चला जाएगा और पेन ऐसे सेल जो ऐसा कचूमर सा निकल जाएगा उसका, क्या होगा यहाँ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल है, सेल वॉल तो देखो शेप नहीं चेंज करती, रिजिड होती है तो शेप तो वही रहेगा, लेकिन अंदर से सेल मेम्ब्रेन का देखो क्या हाल हुआ है, सेल मेम्ब्रेन ऐसे सिकुड़ गई है, क्यों, सारा पानी लूज कर दिया है सेल ने, ऑल द वाटर गोज हियर, औरत बाबू भैया, औरत का चक्कर बाबू भैया, सब औरत का चक्कर है यहाँ पे, समझ रहे हो, औरत के पीछे भाग गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म से पानी निकलता है, जब साइटोप्लाज्म से निकल चुका होता है फिर वैक्यूल से भी निकाल लेता है पानी, ऐसे सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं,
ठीक है, इसको नॉर्मल पानी में डालोगे तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा, तभी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान रखो एक बार। आइसोटॉनिक में देखो बेटा क्या होएगा, उतनी ही औरतें बाहर उतनी ही औरतें अंदर, तो वो सोचता है क्यों बाहर जाना है, तो कोई नेट मूवमेंट जीरो होगी वाटर की। देखो ऐसा नहीं कि वाटर की मूवमेंट होती नहीं, देखो लिखा हुआ है, लेकिन जितने बाहर होती है उतनी अंदर होती है, नेट मूवमेंट की बात करते हैं हम, नेट मूवमेंट जीरो है यहाँ पे, नेट मूवमेंट इज जीरो। देखो जैसे हम कहते हैं पानी यहाँ मूव कर रहा है, क्या यहाँ पानी अंदर नहीं मूव कर रहा, पानी अंदर भी मूव कर रहा है, लेकिन पानी अंदर बहुत कम मूव कर रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, तो नेट मूवमेंट बाहर की है। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द नेट मूवमेंट, ओके। सो यहाँ पे नेट मूवमेंट जीरो है, तो यहाँ पे सेल अपने नॉर्मल शेप में रहेगा, जिसे हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं। हाइपो, औरत की कमी बाबू भैया, औरत की कमी, ठीक है। अगर हाइपो है तो यहाँ पे सोल्यूट कम है, यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पानी यहाँ से यहाँ भागेगा और ये सेल फूल के कुप्पा हो जाएगा। ये तो शुक्र है फटा नहीं, क्यों नहीं फटा, क्योंकि सेल वॉल है, सेल वॉल काफ़ी टर्जिड है, शेप नहीं छोड़ती आसानी से, टूटना तो मतलब बहुत मुश्किल है सेल वॉल को तोड़ना, तो ये ऐसे फूल का सा कुप्पा हो जाता है अंदर का, जो इसका सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्जिड सेल, ठीक है। टर्जिड सेल सेल वॉल पे प्रेशर मारता है, ऐसे ऐसे प्रेशर मारता है, और सेल वॉल भी इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर मारती है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो प्रेशर अंदर से मारता है ना, इसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं, इसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो एक टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर बहुत जरूरी है, सेल्स का जो साइज बढ़ता है ना, जो हम जोन ऑफ इलोंगेशन में कहते हैं कि भैया इतना सा सेल इतना बड़ा हो जाता है। हमने अभी मिनरल न्यूट्रिशन में एक वो डायलॉग पढ़ा था एनसीईआरटी का, कि एक वाटरमेलन का सेल का साइज जो है, जब वो बड़ा होने लगता है तो वो 350 टाइम्स अपने साइज का बड़ा हो जाता है, 3.5 लाख गुना बड़ा हो गया, इतना सा सेल इतना बड़ा हो गया। तो बड़ा कैसे होता है, ऐसे होता है, सेल्स कैसे बड़े होते हैं नॉर्मल में, टर्गर प्रेशर से होते हैं। कैसे, ये सेल है, इसके अंदर पोटेशियम भर जाता है, पोटेशियम से वाटर आ जाता है पीछे पीछे, तुम्हें तो पता ही है वाटर कितना बड़ा, तुम समझ गए हो क्या ही बोलना शब्द, ठीक है। आयन देखा नहीं कि इसकी नीयत फिसल जाती है, आयन के पीछे पीछे आ जाता है पोटेशियम के पीछे पीछे, तो इससे क्या है, सेल टर्जिड हो जाता है और ये ऐसे प्रेशर मारने लगता है। और अभी इसकी सेल वॉल, जब बच्चा होता है ना सेल, तो इसकी सेल वॉल इतनी स्ट्रांग नहीं होती, अभी सेल वॉल बन रही होती है ना। अब पढ़ते ना, जब जोन ऑफ इलोंगेशन में साइज बड़ा होता है, फिर जोन ऑफ मैचुरेशन में और सेल वॉल और ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना, जोन ऑफ इलोंगेशन में भी स्ट्रांग हो रही होती है सेल वॉल। तो अभी बच्ची है इसकी सेल वॉल, अभी इसको धक्का मार के खींच सकता है, तो यहाँ से जो प्रेशर लगेगा ना, टर्गर प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से सेल का साइज बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से सेल का साइज बड़ा हो जाता है। सो टर्गर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीज इन साइज, फॉर सेल का साइज इंक्रीज होगा तभी स्टेम का साइज इंक्रीज होगा, ऑफकोर्स नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो भी स्टेम का साइज इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, तीनों केसेस समझ में आगे आगे चलो। जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तुले अंगड़ाई जल्दी बोलो, टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ प्रोटोप्लास्ट होना चाहिए, प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल टू एंट्री ऑफ वाटर। अब इनबाइवेशन क्या होता है, देखो इनबाइवेशन से क्वेश्चन भी क्या आता है, सुन लो ध्यान से। इनबाइवेशन क्या होता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड्स। जब एक सॉलिड जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, कहीं एब्जॉर्ब लिखा रहता है, कहीं एडजॉर्ब लिखा रहता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वुड, दो ही एग्जाम्पल आते हैं, तो वुड का एक सीड्स की स्वेलिंग का, स्वेलिंग ऑफ सीड्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर, ये दोनों ही एग्जाम्पल लर्न कर लो। बारिशों में आपका जो लकड़ी का जो गेट है, उसमें जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फूल नहीं जाता और कहता मैं नहीं बंद होऊंगा अब, तो वो किससे हुआ, एम्बाइबेशन से हुआ है। एक बहुत अच्छा PYQ आता है कि आपने एक जार में, आपने एक जार में सीड्स भरे और उस सीड में पानी डाला, वो जार फूट गया, क्यों फूटा भैया, सीड्स में पानी डाला, सीड्स ने इम्बाइबेशन कर ली, सीड्स फूल गए, तो उससे क्या उनका साइज बढ़ गया, तो
तो साइज बढ़ गया तो उन्होंने जार तोड़ दिया। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, पी वाई क्यूज आ चुके हैं, ध्यान दो। ठीक है, अब आ गए हम अपने लॉन्ग पार्ट पे, नहीं हम अपने लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्या तुम तैयार हो? मैं अपना फ़ोन तो ले आऊँ। चलो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आप दो चीजें पढ़ते हो, जाइलम फ्लोएम। क्वेश्चन क्या आते हैं सुनो ध्यान से, जाइलम ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। वाटर मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास बल्क फ्लो। मास बल्क फ्लो क्या होता है? जब रिवर की तरह कोई चीज़ मूव करे, ऐसा एक एक मॉलिक्यूल नहीं मूव कर रहा कि मेरा मन कर रहा है मैं तेज चला जाऊंगा, मेरा मन कर रहा है मैं धीरे चला जाऊंगा। मास फ्लो क्या होता है? जब सारे मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड में मूव करें, जैसे रिवर में पानी के हर मॉलिक्यूल की स्पीड सेम होती है ना, सारे वाटर के मॉलिक्यूल, ऐसा तो नहीं होता एक वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है और पीछे वाटर मॉलिक्यूल कह रहा है मैं आ रहा हूँ ये रेस मैं ही जीतूंगा, मैं आ रहा हूँ, ओ ये ये, ऐसा तो नहीं होता ना। सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड से जा रहे होते हैं रिवर में, बल्क फ्लो में। वैसे ही मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंस है तो मास फ्लो हो रहा है, और सभी मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो एक ही रहेगा। तो जाइलम में भी मास फ्लो होता है, फ्लोएम में भी मास फ्लो होता है। ठीक है, जाइलम में जनरली वाटर और मिनरल्स का मास फ्लो होता है, फ्लोएम में जनरली ग्लूकोज सैप का मास फ्लो होता है, लेकिन मास फ्लो दोनों में होता है। ठीक है, बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। देखो वैसे ट्रांसलोकेशन हम जब हम छोटे होते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भैया जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी नहीं कह रही, वो कह रही है कि जहाँ पे भी बल्क मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंसेस का उसे ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दैट मीन्स जाइलम फ्लोएम दोनों में ही ट्रांसलोकेशन टर्म आप यूज़ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आगे आ जाओ, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। देख लो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये आता है जाइलम ट्रांसपोर्ट में कौन सी फोर्सेस मदद करती हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में कौन सी फोर्सेस मदद करती हैं। ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट में पुश होता है या पुल होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में पुश होता है या पुल होता है, इस प्रकार से होते हैं। तो ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ ना उसको दिमाग में बिठा लो। जाइलम में क्या होता है, दो चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, पहले रूट प्रेशर, फिर ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, जैसे मान लो ये जाइलम है, ये पेड़ का तना है, ये रूट है। पानी पहले क्या होता है, यहां से बहुत सारे आयन्स पहले एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। देखो आयन्स एक्टिवली और पैसिवली दोनों एब्जॉर्ब होते हैं बोथ, लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है आयन्स का। सो एक्टिवली आप यहाँ पे आयन्स डाल देते हो, अब आयन्स के पीछे तुम्हें पता है कौन आएगा, हरामी वाटर। सो वाटर जो है पैसिवली बिना एनर्जी खर्च किए इसके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पे वाटर भर जाता है, यहाँ पे अच्छे से वाटर भर जाता है रूट के पास बिल्कुल, तो यहाँ पे वाटर ऊपर प्रेशर मारने लगता है। जब कोई चीज़ जहाँ भर जाएगी तो प्रेशर मारेगी ना ऊपर, इसको रूट प्रेशर कहते हैं। हरामी वाटर की आशिकियों की वजह से रूट प्रेशर आ गया, समझ रहे हो? आयन्स एक्टिवली पैसिवली दोनों एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो एक्टिवली होते हैं उनकी वजह से वाटर, कैसे बताऊँ, आयन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं एक्टिवली पैसिवली, ठीक है ना, उनके पीछे वाटर आ रहा है। यहाँ पे वाटर भर गया पूरा, लेकिन ये रूट प्रेशर इतना स्ट्रांग नहीं होता। ये रूट प्रेशर, इसको छोड़ दो, भी एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट को छोड़ दो, बता दूँ क्या होता है, ये वाली बात सुनो। ये रूट प्रेशर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि भैया इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे पूरा ऊपर तक लेके जाए। तो इसके बाद यहाँ तक तो पुश है, रूट प्रेशर इज पुश। उसके बाद ट्रांसपिरेशनल पुल शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो पत्ते हैं वो यहाँ पे स्टोमेटा से वाटर लूज करते हैं, वाटर लूज करते हैं, तो यहाँ वाला वाटर इस वाटर लॉस की वजह से खींचता है। दिस वाटर स्टार्ट्स गेटिंग पुल्ड लाइक दिस बाय द सन। सन ने जैसे एक धागा पकड़ा हुआ है
स्टोमेटा से एक धागा पकड़ा हुआ है और वो धागा ऐसे ऐसे खींच रहा है, वाटर बाहर खींच रहा है और यहाँ से वाटर खींचता चला रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। तो एक्चुअली में मेजर फोर्स कौन सी है? पुल वाली, दिस इज द मेजर फोर्स। पुश वाला तो बहुत छोटा होता है, रूट प्रेशर जो होता है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल फोर्स, जो पुल वाला फोर्स है वो जो बिगर फोर्स है। तो जाइलम में ट्रांसपोर्ट मेनली पुल वाला है, दो फैक्टर्स हैं रूट प्रेशर पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल, बट दिस इज स्मॉल, दिस इज द मेजर फैक्टर। एक बात तो मैंने पॉइंट ये क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट, रूट प्रेशर से जो एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है वो होता है गट्टेशन का, जो इसके पास वाले कुछ जैसे ग्रासेस में बहुत होता है, मान लो यहाँ पे एक लीफ है, ग्रासेस में होता है, नॉर्मली नहीं होता। यहाँ से रूट प्रेशर की वजह से पानी डायरेक्टली लिक्विड फेज में बाहर निकलने लगता है, दिस इज इन ग्रासेस, ये नहीं कि तुम नॉर्मल प्लांट में देखो। ग्लास ब्लेड में तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा? इस रूट प्रेशर की वजह से पानी जो है, यहाँ पे एक स्पेशल ओपनिंग होती है, देयर इज अ स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड हाइडाथोड है, ठीक है। हाइडाथोड में से लिक्विड वाटर निकलने लगता है विच इज कॉल्ड गट्टेशन। बार बार पीवाई की यू आता है कि गट्टेशन किसकी वजह से होता है? गट्टेशन बेटा रूट प्रेशर की वजह से होता है। मैं ये एरो मिटा रही हूं क्योंकि नहीं तो फिर डायग्राम कंफ्यूज होएगा, बट यू अंडरस्टैंड गट्टेशन इज बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। और क्या क्वेश्चन आता है? बार बार क्वेश्चन आता है गट्टेशन किसकी वजह से? रूट प्रेशर की वजह से। ऐसे आंसर करते रहना तुमने जब जितनी बार भी तुमसे क्वेश्चन पूछे। दूसरा, गट्टेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या फर्क है? ठीक है, गट्टेशन में लिक्विड वाटर निकलता है, गैशियस वाटर नहीं निकलता, गैशियस फॉर्म में नहीं निकलता। जो ट्रांसपिरेशन का वाटर है दिस इज अ गैस, गैशियस वाटर है। मैं यहाँ पे क्यों ख़राब कर रही हूँ ये वाली स्लाइड, आगे क्यों नहीं बना रही? क्योंकि जो मैं अलग से स्लाइड डालती हूँ ना वो तुम लोगों को नोट्स में नहीं मिलती, फिर तो मैं सोचती हूँ कि यहीं पे लिख दूँ, जैसे वैसे तुम्हें एटलीस्ट नोट्स तो मिल जाएंगे इसके। ये मेरा एक पॉइंट हो गया, ट्रांसपिरेशनल पुल जो है गैशियस वाला होता है, गट्टेशन वाला जो लिक्विड होता है, गट्टेशन किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से होता है। ये वाला किसकी वजह से होता है? ये तो यार सन की वजह से होता है, सन खींच लेता है ना इसको, पुल है ना, इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। देन ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? बेटा देखो, जब कोई सब्सटेंस बाहर है, चाहे वो वाटर है चाहे वो आयंस है, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता भी तो उनको तय करना है ना, दे हैव टू, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता भी तो तय करना है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स आती हैं चीज़ों की, बहुत सारे सेल्स आते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले एपिडर्मिस आता है, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर कॉर्टेक्स के अंदर लेयर एंडोडर्मिस आती है, फिर पेरिसाइकल आता है, ये सारे सेल्स आते हैं। तो जो वाटर और जो आयंस हैं वो यहाँ पे दो पाथवे ले सकते हैं, बाहर से जाइलम तक पहुँचने के लिए दो पाथवे ले सकते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे या सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है वो डेड स्पेसेस में से होता है, जैसे कि सेल सेल के बीच में जो खाली स्पेस है वहाँ से निकल जाएगा आयन और वाटर, ठीक है, या सेल वॉल में से। इवन जो सेल वॉल है वो भी एपोप्लास्टिक पाथवे ही है, साइटोप्लाज्म नहीं होना चाहिए वहाँ पे, सब एपोप्लास्टिक है। इवन खुद जाइलम एपोप्लास्टिक है। क्यों जाइलम एपोप्लास्टिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं है ना, एपोप्लास्टिक है, एपोप्लाज्म लिख दिया मैंने। खुद जाइलम एपोप्लास्टिक मूवमेंट है, क्योंकि देखो सिम्प्लास्टिक ना साइटोप्लाज्म में से निकलनी चाहिए कोई चीज़, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करती हुई, साइटोप्लाज्म में तैरती हुई। साइटो और सिम दोनों कितना सेम है, साइटोप्लाज्म एंड सिम्प्लास्टिक। तो जब तक कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में से तैर के निकलेगी तो उसको सिम्प्लास्टिक पाथवे कहेंगे। थ्रू प्रोटोप्लास्ट कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं जिसमें से चीज़ें तैर के निकल जाती हैं। रिलेटिवली स्लोअर, क्योंकि भैया तैरना पड़ रहा है ना,
साइटोप्लाज्म में से स्लोअर है, एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग डिपेंडेंट अपॉन ग्रेडियंट, ऑब्वियसली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। एपोप्लास्टिड में क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे में क्या है, थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो सेल्स के बीच में स्पेसेस हैं उनके बीच में से या सेल वॉल में से, नो क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके कभी साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, ठीक है। नो रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, रेजिस्टेंस आएगा ही कहाँ से, तुम्हारे पास कुछ है क्या, खाली स्पेसेस में से जा रहे हो, क्या तुम्हें कोई रेजिस्ट करेगा, ठीक है। ये भी डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट है, ये समझ में आ गया, हाइपरप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक, ठीक है। अब तुम्हें ये सीक्वेंस याद रखना है ज़रा, ठीक है। ये बाहर की दुनिया है, यहाँ पे हमारा वाटर और आयंस है, वाटर आयंस है। सबसे पहले जिस सेल में एंटर करते हैं एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकल में, ये अभी तुम लोगों को एनाटॉमी में पढ़ाऊंगी मैं। सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स चल जाता है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस होती है ना, फिर एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल चल जाता है, फिर यू नो अपन जाइलम में पहुंच जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे जब एपिडर्मिस में एंटर करता है तो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्टिक मूवमेंट दोनों चलती है, यहाँ से भी चलता है, एपोप्लास्टिक भी चलती है और सिम्प्लास्टिक भी चलती है। फिर कॉर्टेक्स में भी एपोप्लास्ट भी चलता है, सिम्प्लास्ट भी चलता है। लेकिन एंडोडर्मिस में, अगर तुम लोगों को एनाटॉमी याद है, तो एंडोडर्मिस में यहाँ पे देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कैस्पेरियन स्ट्रिप याद है, कैस्पेरियन स्ट्रिप याद है, एंडोडर्मिस के सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप में एक्चुअली ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनको एपोप्लास्टिक पाथवे से जाने नहीं देते, चीज़ों को बंद कर देते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे पूरा बंद हो गया, एपोप्लास्टिक पाथवे यहाँ से, यहाँ से। और एंडोडर्मिस में चीज़ों को अंदर जाके सारी की सारियों को सिम्प्लास्ट में ही जाना पड़ता है। एंडोडर्मिस के जो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, ये चेक पॉइंट है, ठीक है। ये क्यों हम कर रहे हैं, एंडोडर्मिस में क्यों चीज़ें भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं इसकी मेम्ब्रेन में, ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं एंटर करने से पहले, यहाँ पे, यहाँ पे, इवन यहाँ पे, देयर आर प्रोटीन चेक पॉइंट्स जो कि ये डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट से आगे किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। जैसे कि एयरफोर्स एरिया होता है या आर्मी एरिया होता है, तो वो आईडी कार्ड देखते हैं ना कि ये इंसान इस लायक भी है कि ये हमारे एरिया में आ सके, ऐसे कैसे को तो ऐसे भागते हैं कि अच्छा आईडी कार्ड है, लोग अपना आधार कार्ड पकड़ाते हैं, भाग जाओ यहाँ से, स्पेशल कार्ड चाहिए यहाँ पे इस एरिया में आने के लिए, समझ रहे हो। तो ऐसे ही कोई आयन ना घुस रहा हो, अब ऐसे टॉक्सिक आयन्स भी घुस जाएंगे, कोई भी घुस जाएगा अंदर, तो यहाँ पे चेक पॉइंट्स है। अब चेक पॉइंट्स में क्या है, तो कोई चुपके से यहाँ पे ना निकल जाए, यहाँ से ना निकल जाए, एपोप्लास्ट से ना निकल जाए, यहाँ पे दरवाजे बना दो, इन दरवाजों को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, दरवाजे नहीं सॉरी दीवारें बना दो, इन्हीं को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। सेल वॉल के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जिनको, जो कहती हैं कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, दीवार को नहीं लांग पाओगे, तुम्हें प्रोटीन्स के अंदर से होते हुए निकलना पड़ेगा, ये प्रोटीन्स डिसाइड करेंगे तुम अंदर जाओगे भी या नहीं, ठीक है। देन पेरिसाइकल में, देन जाइलम में, जाइलम खुद एपोप्लास्ट है, आया बड़ा, समझ गए। देन आओ वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, मतलब जाइलम में, जो बेटा देखो जाइलम के लिए कुछ बातें ध्यान रखो, जाइलम के लिए पहली बात तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, नीचे से ऊपर, ये क्वेश्चन आता है, यूनिडायरेक्शनल बायडायरेक्शनल का, फ्लोएम का बायडायरेक्शनल फ्लो होता है, इसका यूनिडायरेक्शनल होता है, ध्यान रखो। फ्लोएम का बायडायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि भैया उसका लीफ से जब ग्लूकोज निकलेगा वो ऊपर भी जा सकता है, यंगर लीव्स की तरफ भी जा सकता है, वो रूट की तरफ भी जा सकता है, तो बायडायरेक्शनल फ्लो है, इधर भी जा सकता है इधर भी। जाइलम कहाँ जाएगा, नीचे से पानी लेके जाएगा तो ऊपर ही लेके जाएगा तू भाई, ये तो नहीं मैं तो जमीन में ही घुस जाऊँगा, मैं तो पाताल लोक में चले जाऊँगा, पानी ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली, रूट से चढ़ रहा है तो। सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। देन जाइलम में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्वियसली वाटर प्लस मिनरल्स तो तुम्हें पता ही है, ये तो कॉमन सेंस है। एक्चुअली हॉर्मोन्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स रूट प्रोड्यूस करती है, वो होएगा। ऑल्सो इनऑर्गेनिक मिनरल्स तो हमें पता ही हैं, जो होते हैं ना फॉस्फेट वगैरह जो सॉइल से मिलते हैं। नाइट्रोजन एज ऑर्गेनिक, मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, कि नाइट्रोजन कभी पहले तो NO2 NO3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन फिर अंदर NH3 में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर NH3 से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर अमाइनो एसिड से ऊपर जाती है। या तो देखो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जाती है नाइट्रोजन, ऐसा नहीं कि नहीं जाती, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जाती है लेकिन बहुत कम, मोस्टली नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में बनने के बाद फिर ऊपर चढ़ती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन,
ठीक है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स। फिर मैंने तुम्हें दिखाया था सोयाबीन में यूरियाइड्स बन जाते हैं, तो यूरियाइड्स। फिर हमने अमाइड्स बनाए थे, अमाइड्स। ये सारे ऑर्गेनिक ही तो फॉर्म है, सारे ऑर्गेनिक ही तो फॉर्म है। तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म वाली नाइट्रोजन भी जाती है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी जाती है, कुछ कुछ NH3 भी चली जाती है, इनऑर्गेनिक फॉर्म है। ठीक है, हॉर्मोन्स जाते हैं, वाटर जाता है, मिनरल जाता है, ये ध्यान रखना है कि किससे क्या जाता है। तो ऐसा कहना कि जाइलम से सिर्फ इनऑर्गेनिक जाता है और फ्लोएम से सिर्फ ऑर्गेनिक जाता है, ये गलत है। जाइलम से भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि अमाइनो एसिड्स। जाइलम से भी ऑर्गेनिक फॉर्म्स जाते हैं। इनफैक्ट जाइलम और फ्लोएम जब साथ साथ पड़े होते हैं तो इनमें कुछ कुछ एक्सचेंज होता है चीज़ों का, तो फ्लोएम से भी कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मूव होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जाइलम से सिर्फ इनऑर्गेनिक, फ्लोएम से सिर्फ ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है। क्लियर? देन ये वाली बात मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, दो प्रेशर्स काम करते हैं, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। पुल इज द पुलिंग प्रेशर, रूट प्रेशर इज द पुशिंग प्रेशर। रूट प्रेशर, वेरियस आयन्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम। ठीक है, वाटर फॉलोज द आयन्स। अब पॉजिटिव प्रेशर, ध्यान रखो, इज बिल्ट कॉल्ड रूट प्रेशर। गट्टेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज फ्रॉम स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ वेन्स नियर टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स। इन ओपनिंग्स को हाइडाथोड्स बोलते हैं, न्यूमाथोड से कंफ्यूज नहीं करना उसको, न्यूमाथोड्स होती हैं वो न्यूमाटोफोर के ऊपर ओपनिंग्स होती हैं, जो अपने को राइजोफोरा में मिलती है, हेलोफिटिक प्लांट में मिलती है, हाइडाथोड्स। ठीक है, और न्यूमाथोड्स का फंक्शन भी अलग होता है, न्यूमाथोड का फंक्शन होता है सांस लेना रूट्स के लिए, दलदल में सांस नहीं ले पा रही होती, ऐसे निकल जाती हैं रूट्स, न्यूमाटोफोर्स निकल जाते हैं, इसका काम है गट्टेशन कराना हाइडाथोड का। Do not play a major role in motor movement, just provide a modest push. Clear? आगे चल, transpirational pull, negative pressure pull. ठीक है, इस पर 2021 में क्वेश्चन आया था, ध्यान देंगे। इस थ्योरी का पूरा नाम है कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम स्टोमेटा, जो मैंने तुम्हें बताया था, स्टोमेटा से इवेपोरेट होता है, कॉजिंग अ पुल ऑन द वाटर कॉलम इन जाइलम वेसल्स। जैसे कोई रस्सी खींच लेते हैं, सन ने ऊपर पानी इवेपोरेट कराया और वहां से फिर नीचे से पानी खींच खींच के ऊपर आने लगे। अब तुमको मैम वाटर की रस्सी कैसे बन जाएगी यार, वाटर तो वाटर है, ग्रेविटी से टूटेगा नहीं क्या वो, जो वाटर का कॉलम है वो टूटेगा नहीं क्या? तो बेटा वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो वाटर की जो रस्सी है, वाटर का कॉलम बोलते हैं उसको, कॉलम ऑफ वाटर, वो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, इट हैज़ अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ब्रेक नहीं करेगा बीच में से, जो वाटर की जो कॉलम चल रहा है, वाटर की जो रस्सी चल रही है, वो ब्रेक नहीं करेगा ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। कैसे, सुनो, ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाई फॉलोइंग फैक्टर्स। ये इसमें भी PYQ है। एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होता है ट्रांसपिरेशन का रेट, जैसे टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा पानी जल्दी उड़ेगा, जितनी ज़्यादा लाइट होगी, लाइट और टेम्परेचर जनरली यू नो वो है जुड़े हुए हैं, तो उतना ज़्यादा वो होएगा, क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन होगा। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा उतना कम होगा ट्रांसपिरेशन, क्योंकि अगर एटमोसफेयर में पानी है तो क्यों पानी एब्जॉर्ब होगा वहाँ से। ठीक है, विंड स्पीड, जितना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जितनी विंड होगी उतना ज़्यादा पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। तुम ये सोचो लो कपड़े कैसे जल्दी सूखते हैं, कपड़े सूखने में इवेपोरेशन होती है ना पानी की, तो बस ट्रांसपिरेशन भी वैसी होती है, ऊपर से कपड़े सूखते रहते हैं, ऊपर से पानी सूखता रहता है, नीचे से पानी आता रहता है, तो कपड़े ज़्यादा टेम्परेचर में सूखते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, लाइट से भी ज़्यादा होएगा, ह्यूमिडिटी, बारिश के मौसम में कपड़े सूखते हैं क्या, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एयर में, तो जितनी ह्यूमिडिटी होगी उतना कम हो जाएगा। ठीक है, विंड स्पीड ज़्यादा, हवा में कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो विंड स्पीड में बढ़ जाएगा, ध्यान रखो ये बातों का। इंटरनल फैक्टर्स, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, भैया जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और जितना स्टोमेटा ऊपर वाली साइड पर होगा, ऊपर मतलब कौन सी साइड बोलते हैं, एड एक्सियल साइड, याद आया, डाइकॉट्स में एड एक्सियल और एब एक्सियल होता है, मैंने कैसे याद कराया था, जिसमें एब हो
ठीक है, जिसमें बहुत ही ऐब हो, वो नीचे की साइड होता है। ऐब मतलब बुराइयाँ, तो अपनी बुराई सब नीचे छुपाते हैं, कोई ऊपर थोड़े भी दिखाता है। ऊपर वाले को बोलते हैं एड एक्सियल। तो जितना एड एक्सियल सर्फेस पे स्टोमेटा होगा उतना ज़्यादा होगा, बल्कि एड एक्सियल पे कम होते हैं, ऐब एक्सियल में ज़्यादा होते हैं स्टोमेटा। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि भैया ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो। परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। कैनोपी स्ट्रक्चर, पेड़ का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना एक्सपोज है स्टोमेटा, ठीक है। ट्रांसपीरेशन ड्रिवन एक्सेंट ऑफ जाइलम सैप डेवलप्स डिपेंड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन ड्रिवन एक्सेंट ऑफ सैप, एक्सेंट मतलब ऊपर आना, ठीक है। सैप मतलब फ्लूइड, जाइलम सैप मतलब फ्लूइड जो जाइलम के अंदर बह रहा है, ठीक है। एक्सेंट मतलब चढ़ाई, किस बात पर डिपेंड करती है, तीन बात पर डिपेंड करती है वाटर की, तीन प्रॉपर्टीज पे, कोहेजन, एडहेजन एंड सरफेस टेंशन। कोहेजन क्या होता है, ये 2021 का क्वेश्चन है, किसका क्या मीनिंग है, अगर तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ध्यान से सुनो। इसलिए बहुत सारे बच्चे वाला पार्ट छोड़ देते हैं, सुनो। को का मतलब होता है सेम सेम, शेम शेम नहीं हो, शेम शेम वो शेम शेम नहीं, सेम सेम सेम, जैसे कोहैबिटेशन साथ में रहना, ठीक है, को वर्कर साथ में काम करना, मतलब सेम सेम सा मतलब को। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज कोहेजन, वाटर वाटर का आपस में प्यार करना। एडहेजन, हेजन प्यार तो है लेकिन अब ये वाटर वाटर का प्यार नहीं है। अट्रैक्शन ऑफ वाटर विद पोलर सर्फेस, बेटा इसको याद कर लो, लर्न करना है। पोलर किसी नॉर्मल पोलर सर्फेस से पानी का प्यार, वो एडहेजन है। एडहेसिव नहीं होता जैसे चिपक जाता है, एडहेसिव गम को एडहेसिव बोलते हैं ना, तो किस चीज़ से आप चिपक जाओ आपका प्यार है, जैसे कि फेविकॉल लगा दो फेविकॉल चिपक जाएगा, या फेविकॉल से आप कोई चीज़ चिपका लोगे, एडहेजन कर दोगे, चिपका दोगे, ठीक है। कोहेजन वाटर वाटर का प्यार, क्यों, अरे यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वाटर वाटर में। सरफेस टेंशन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज देन वाटर मॉलिक्यूल्स इन गैस फेज। इसका मीनिंग क्या है, देखो जब जाइलम वेसल में पानी ऊपर चढ़ रहा है, जब जाइलम वेसल में पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, अब ये ऊपर खींच रहा है ट्रांसपीरेशन पुल से, तो इसका बहुत प्यार है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, क्यों, कोहेजन है दोनों के बीच में, तो ये इसका हाथ पकड़ के ले जाएगा, कहेगा यार मेरा हाथ पकड़ ले मैं ऊपर जा रहा हूँ तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। फिर इसका नीचे वाले मॉलिक्यूल से बहुत प्यार है, कहेगा मेरा हाथ पकड़ ले मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। कोहेजन की वजह से इनकी चेन बन जाती है, कोहेजन क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोहेजन एक दूसरे के प्यार की वजह से इनकी चेन बन जाती है। तो अब जब ये ट्रांसपीरेशन से यहाँ पे खींच रहा है, यहाँ पे मान लो ये स्टोमेटा है, यहाँ से पानी जब बाहर जा रहा है, तो ये पूरी चेन बन रही है, तभी तो ये कॉलम टूट नहीं रहा कोहेजन की वजह से, एक तो ये रीजन हो गया, है ना। देन एडहेशन, जो ये वेसल है ना, इट इज अ जाइलम वेसल, वेसल का सरफेस है ना, जो सरफेस इज पोलर, सरफेस इज पोलर, तो ये कह रहा है कि यार उठा तो लेता हूं लेकिन गिर ना जाऊं, तो ये एक हाथ से इससे भी चिपका होता है, इसका भी सहारा लेता है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इज ऑल्सो पोलर, तो पोलर पोलर में अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये एक हाथ से एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, कोहेजन की वजह से, दिस इज कोहेजन, लेकिन एक हाथ से ये जाइलम की वॉल से भी चिपके हुए हैं, ताकि ये नीचे ना गिर जाए, ऐसे पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ रहे, जैसे आप जब ऊपर जाते हो किसी चीज़ को पकड़ के जा रहे हो ना, रोप को मान लो पकड़ के जा रहे हो, ठीक है, तो एक दूसरे की टांग भी पकड़ी हुई है और यहाँ से रस्सी पकड़ी हुई है, जिससे इनका बहुत अट्रैक्शन है, दिस इज एडहेजन। ये दो फोर्सेस होगी। और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है, मान लो यहाँ पे वाटर, मान लो एक बीकर में वाटर है, बीकर में वाटर है, यहाँ तक वाटर है, तो वाटर वाटर के मॉलिक्यूल जो लिक्विड फेज में है उनका ज्यादा प्यार है आपस में, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फेज में है उनका आपस में ज़्यादा प्यार है, रैदर देन एक वाटर मॉलिक्यूल जो गैस फेज में है, मान लो इसमें ये इवेपोरेशन हो रही है मान लो यहाँ से, तो इसका इनसे इतना प्यार नहीं है, इनका आपस में ज़्यादा प्यार है, ये सरफेस टेंशन है। कुछ समझ में आया है कि तुम्हारे सिरों के ऊपर से हवाई जहाज बन के निकल गया ये, हैं। आई लाइक यू डॉली, यू आर सो ब्यूटिफुल क्वीन, सो ब्यूटिफुल प्रिंसेस क्वीन डॉली,
तुम चंडीगढ़ आओ बेटा, मैं तुम्हें ऑफिस का एड्रेस दूंगी, तुम चंडीगढ़ आओ और मुझे बताओ कि मैम वो कमेंट मैंने किया था, तुम धरे जाओगे मुझसे। प्रिंसेस डॉली चाहिए इनको, सरफेस टेंशन इज जो लिक्विड फेज है और जो गैशियस फेज है उसमें लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा अट्रैक्टेड है रेदर देन विद मॉलिक्यूल्स ऑफ गैशियस फेज। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये ज़रूरी है, ये मेरे नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ, मतलब ये डायग्राम नहीं बना हुआ। डन, यही क्वेश्चन था नीट 2021 में, क्या होता है कोहेजन, क्या होता है एडहेजन, क्या होता है सरफेस टेंशन। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, एडहेजन इज अट्रैक्शन ऑफ वाटर विद पोलर सरफेस, सरफेस टेंशन इज वाटर मॉलिक्यूल्स मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज देन वाटर मॉलिक्यूल्स इन गैस फेज। इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर के पास कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, क्या सुपर पावर्स आ जाती हैं? दीज प्रॉपर्टीज गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कैपिलैरिटी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी टू रिजिस्ट अ पुलिंग फोर्स। यहाँ पे पुलिंग फोर्स कौन है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन उसको तोड़ने की भी कोशिश कर रही है उस वाटर की रस्सी को, लेकिन तोड़ नहीं पा रही है, इसको बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे स्टील की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाई कैपिलैरिटी क्या होती है? एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स, जैसे वेसल्स और ट्रेकिड्स थिन ट्यूब्स ही हैं, वेसल तो फिर भी इतनी थिन नहीं है, ट्रेकिड्स तो बिल्कुल ही थिन है। थिन ट्यूब्स में ऊपर चढ़ने की एबिलिटी को कैपिलैरिटी बोलते हैं। सो इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर गेट्स दीज टू सुपर पावर्स, दीज सुपर पावर्स आर कॉल्ड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कैपिलैरिटी। ध्यान रखो, हाय, C4 प्लांट्स आर ट्वाइस एफिशिएंट एज C3 प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग CO2। ये इस चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन तुम लोगों को ये तो पता है ना क्यों, क्योंकि भैया फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती C4 में, C3 में फोटो रेस्पिरेशन होती है। ऑल्सो C4 प्लांट्स लूज ओनली हाफ एज मच H2O एज अ C3 प्लांट। पानी भी बचा लेते हैं, पानी कैसे बचा लेते हैं? क्योंकि ये भरी दोपहरी में भी अपना स्टोमेटा बंद कर सकते हैं। C3 प्लांट स्टोमेटा बंद करता तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है, तो उनको स्टोमेटा बंद करने में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि अगर स्टोमेटा बंद हो गया, ऑक्सीजन अंदर ही ट्रैप हो गई, ऑक्सीजन अंदर ट्रैप हो गई तो फोटो रेस्पिरेशन हो गया। C4 फिर भी अपना ढक्कन बंद कर सकते हैं, क्योंकि O2 तू अंदर रह, तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, हम ना बहुत ज़्यादा एडवांस हैं तेरे से, तू कुछ कर नहीं सकती हमारा। ठीक है, क्यों? फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकती ना O2, तुम्हें तो पता ही है क्या होता है C4 प्लांट में। अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, देखो सीधी सी बात है, मिनरल आयंस कैसे होते हैं? एक्टिव पैसिव दोनों होता है, याद रखो, एक्टिव पैसिव दोनों होता है। सम मिनरल्स आर पैसिवली एब्जॉर्ब वाइल मोस्ट मिनरल्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड, ज़्यादातर लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स फॉर एडजस्टिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स, ये तो तुम लोगों को पता ही है, मैंने बताया था। एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है वो रीडायरेक्ट कर देती हैं वाटर को। देखो दोनों का काम अलग है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम अलग है, ध्यान दो जरा इस बात पे। कैस्पेरियन स्ट्रिप सिर्फ लोगों को बॉर्डर पार करने से रोकती है, ताकि कोई भी चेक पॉइंट से बिना बचे निकल ना जाए। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है मेम्ब्रेन के अंदर, दैट मीन्स कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से आप इधर नहीं जा पाओगे, आपको इनके थ्रू ही जाना पड़ेगा, और तब ये डिसाइड करेंगे किसको जाने देना किसको जाने नहीं देना। समझ गए ना, दो अलग चीज़ें हैं ये। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, ट्रांसलोकेशन मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस चीफ सिंक, सिंक मतलब जहाँ यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं मिनरल आयंस? सिंक और सोर्स का मीनिंग क्या होता है? सिंक का मतलब होता है जहाँ तुम्हारा यूज है, जहाँ तुम सिंक हो जाओगे, जाके यूज हो जाओगे, सोर्स जहाँ से तुम बन रहे हो। जैसे मिनरल आयंस का सोर्स सॉयल है मोस्टली, सिंक कहाँ पे? ग्रोइंग रीजन्स। अपलोडिंग अनलोडिंग ऑफ आयंस अकर बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव, यार समझ जाओ, मिनरल आयंस चढ़ते भी दोनों से ही हैं पैसिव और एक्टिव, उतरते भी दोनों से ही हैं पैसिव और एक्टिव, ऐसा कुछ है नहीं कि एक, जब चढ़ते हैं तो एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, बस इतनी सी बात है।
रीमोबलाइजेशन, ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है। कोई पुरानी लीफ जब मर रही होती है तो वो कहती है कि यार मेरे अंदर इतना सारा मटेरियल है ना, क्यों ना मैं इसे एक नई छोटी लीफ को दे दूँ, बेबी लीफ को दे दूँ। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स ईजिली रीमोबलाइज हो जाते हैं, ठीक है, मान लो ये लीफ मरने वाली है, और कुछ ईजिली रीमोबलाइज नहीं होते। तो जो एक्टिवली रीमोबलाइज हो जाते हैं वो हमने अभी मिनरल न्यूट्रिशन में ही पढ़ा है भैया, सारे ही हो जाते हैं यार, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नहीं सल्फर नहीं, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, एस क्यू लिखा है यहाँ पे भैया, हमारी जुबान टूट गई भैया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, अपना सिर अलमारी के दरवाजे मार के आई हूँ ताकि दीवारें तारे देखो तारे भिड़नी बंद हो जाए मेरे दिमाग की, ये ऐसे पापी जुबान ने क्या बोल दिया, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मूव करते हैं, ठीक है, इवन नाइट्रोजन भी मूव करता है, अच्छा नाइट्रोजन तो मैंने बोल ही दिया, जो मूव नहीं करता वो ये है काश मैं भी मूव कर सकता, काश से याद करो, कैल्शियम और सल्फर, काश, और आयरन तो कैसे ही मूव करेगा, इतना भारी है मोटा आयरन। चलो आगे, बस अब तो ख़त्म होने वाली है बेटा, क्या करेंगे ज़िंदगी में, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं अपने किसी भी चीज़ की। चलो ज़ाइलम एक्सुडेट्स, ज़ाइलम में क्या क्या मिलता है, ज़ाइलम सैप में क्या बोलता है, सी सैप इज़ अ टर्म जो कि फ्लोएम सैप के लिए भी यूज़ कर देते हैं, ज़ाइलम सैप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सम नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन एज इन ऑर्गेनिक आयन्स बट मच ऑफ इट इज कैरिड इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स, भैया ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स है, ये एज इनऑर्गेनिक आयन्स हैं, ठीक है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सो इट इज़ रॉन्ग टू से दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ओनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इतना ईजी आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी कभी देख के। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए हम एक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ में बहुत ही फेमस है, इसका बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल मत करके आ जाना, जाइलम का यूनिडायरेक्शनल, इसका बाय डायरेक्शनल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है, सोर्स इज लीफ, क्योंकि फ्लोएम में बेसिकली पानी, ग्लूकोज तो नहीं, ग्लूकोज एज सुक्रोज, ग्लूकोज से पहले सुक्रोज बनता है, सुक्रोज मूव करता है, सो पानी, सुक्रोज चीनी वाला पानी, चीनी का घोल, प्लस हॉर्मोन्स भी मूव करेंगे क्योंकि लीफ से भी तो बहुत सारे हॉर्मोन्स बनते हैं, हॉर्मोन्स ये सारी चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। सोर्स इज लीफ, सिंक कैन बी छोटा लीव, फ्रूट, रूट, कुछ भी हो सकता है, हर जगह जाएगा, बाई डायरेक्शनल है, हर जगह जाएगा, ठीक है। वाटर, सुक्रोज, हॉर्मोन्स, देखो वाटर, सुक्रोज, हॉर्मोन्स, अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसलोकेटेड, ठीक है, तो अमाइनो एसिड दोनों से हो रही, क्योंकि जाइलम फ्लो में एक्सचेंज भी तो होता है ना चीज़ों का। प्रेशर फ्लो, मास फ्लो हाइपोथेसिस, देखो जाइलम में मूवमेंट में हमने दो प्रेशर देखे थे, एक पॉजिटिव प्रेशर, एक नेगेटिव प्रेशर, पुलिंग को नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं, इसको पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं, जो रूट प्रेशर होता है, तो उसमें दोनों प्रकार का प्रेशर होता है। फ्लोएम क्या था, कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, सब पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए, सो ये मूव करता है पॉजिटिव प्रेशर से, पहली बात तो ये ध्यान रखो, ठीक है। सुक्रोज मूव्स इन कंपेनियन सेल्स, जैसे सीव ट्यूब, तुम्हें तो पता ही कैसे मूव होती है, यहाँ पे सीव ट्यूब्स होती हैं, तुमसे क्या छुपा है अंतर्यामी बच्चों, इनको सीव प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये लीफ है, ये लीफ का मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है ना, मीजोफिल है, तो बेटा मीजोफिल से पहले लोडिंग ऑफ शुगर होती है कंपेनियन सेल में, तुम्हें तो पता ही है कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब का कितना ही नाजायज सा संबंध है, इनका एक ही न्यूक्लियस होता है, बाजीराव मस्तानी टाइप्स की, मेरा पति ही तुम्हारा पति है, ये कंपेनियन सेल है, इनकी अश्लील दोस्ती तो तुम्हें पता ही है, ये सीव ट्यूब है बच्चों, इस बार नंबर ले आना, 2022 में मेरा नाम रोशन करना यार, आजकल मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो बड़े सारे चैनल्स ऐसे आते हैं, मैं ऐसे स्क्रॉल करती जाती हूँ, फिर एक टाइम आ जाता है मैं ऐसे यूट्यूब के डार्क होल में पहुँच जाती हूँ, यू नो,
चाहे ऐसे ऐसे चैनल्स मुझे रिकमेंड होने लगते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। मैं कहा भाई सॉरी सॉरी या तुम्हारी माँ की लंबी उम्र होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये बात मैंने शुरू क्यों की थी, अब मैं भूल गई, रहने दो तुम, अब मैं अब नहीं, अब कोई जोक्स नहीं, अब बस चैप्टर ख़त्म करो, आओ। हाँ मैं ये कह रही थी कि तुम्हें भगवान का समय, नीट में नंबर लेके आओ तुम अच्छे, और फिर हाँ तुम्हें भगवान का समय, अगर तुम मुझसे पढ़े हो तो फिर मुझे वो करना, क्या कहते हैं, मेरे को मेल करना rituratewal@gmail.com पे, अपना एडमिट कार्ड भेजना मुझे कि मैम देखो मेरे इतने नंबर आ गए बायोलॉजी में, फिर मैं खुशियाँ मनाऊँगी, खुशियाँ, फिर मैं अपने ऑफिस में पार्टी रखूँगी, फिर तुम लोगों को बुलाऊँगी। सुनो, मीजोफिल सेल से पहले सुक्रोज यहाँ आती है, फिर सुक्रोज यहाँ पे लोड होती है, इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ सुक्रोज या लोडिंग ऑफ सीव ट्यूब्स, तो कंपेनियन सेल के थ्रू आती है, ठीक है। फ्लोएम सैप मूव्स, अच्छा ये सुक्रोज मूव्स इन कंपेनियन सेल्स, ठीक है, देन टू सीव ट्यूब्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। देखो यार सुक्रोज का दोनों जगह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और जब ये निकलेगी बाहर तो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। वाटर फॉलोज क्रिएटिंग हाई प्रेशर, अच्छा तुम्हें पता है सुक्रोज के पीछे पीछे भी वाटर आएगा, तो वाटर विल कम। वाटर कहाँ से आएगा भैया, जाइलम से आएगा, यहाँ पे साइड में जाइलम भी है ना, जाइलम भी है ना, तो जाइलम से वाटर विल कम, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया तो ये मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एट सिंक, सिंक कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी लीव्स हो सकती हैं, रूट हो सकता है। सुक्रोज मूव्स आउट ऑफ सीव ट्यूब्स इनटू सेल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, सो सुक्रोज की लोडिंग भी एक्टिव है, अनलोडिंग भी एक्टिव है। मिनरल आयंस की लोडिंग भी एक्टिव और पैसिव दोनों है, अनलोडिंग भी एक्टिव और पैसिव दोनों है, याद रखना है, ठीक है। वाटर फॉलोज, वाटर वापस से जाइलम में चला जाएगा। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट ध्यान रखो क्या होता है, गर्डलिंग से क्वेश्चन आते होते हैं, सुनो। गर्डलिंग में क्या होता है, आप किसी रूट का तना, रूट के तने में से फ्लोएम निकाल दो यहां से, ऐसे फ्लोएम लेवल निकाल दो, ठीक है, जाइलम रहेगा अभी भी लेकिन फ्लोएम निकाल दो। इस एक्सपेरिमेंट को गर्डलिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को गर्डलिंग बोलते हैं, पूरा फ्लोएम निकाल दो। अब उससे क्या होगा, रूट से पानी और मिनरल्स तो जाइलम के हेल्प से ऊपर जाएंगे, लेकिन जो फ्लोएम की मदद से यहाँ पे फ्लोएम तो कट गया, फ्लोएम की मदद से जो ग्लूकोज आना था वो ग्लूकोज नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोएम एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, फ्लोएम नहीं सॉरी, यहाँ पे ग्लूकोज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है गर्डलिंग में, कि भैया अगर गर्डलिंग कर दी तो कौन पहले मरेगा, रूट या शूट? तो अब तुम सोचो, जिसको खाना नहीं मिलेगा वो पहले मरेगा, रूट तो अभी भी बेचारा अपना काम कर रहा है, पानी पूनी ऊपर भेज रहा है, ठीक है, ऊपर ग्लूकोज बन पा रहा है, लेकिन रूट को खाना नहीं मिल रहा क्योंकि फ्लोएम हमने काट दी, तो खाना तो फ्लोएम से आना था, तो रूट विल डाई फर्स्ट, इसको लिख लो कहीं पे, रूट विल डाई फर्स्ट, ये वाली बात ध्यान रखनी है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कौन पहले मरेगा ये याद रखो, ठीक है, बस चैप्टर खत्म हमारा। क्यों करते हैं हम ये, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई टिश्यूज थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। अच्छा ये कैसे पता चलेगा हमें, मान लो यहाँ पे बल्ज बना, हमने यहाँ से लिक्विड निकाला, उसको टेस्ट किया तो हमने देखा कि क्या है, बेटा जो फ्लोएम का सैप होता है वो हमेशा अल्कलाइन होता है, तो ये अल्कलाइन होगा तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा फ्लोएम सैप है ये भी एक बार PYQ था अल्कलाइन वाला। चलो चैप्टर ख़त्म, आओ क्वेश्चंस करेंगे अब। चलो नीट 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फीचर कौन सा नहीं है, नॉट को मार्क कर लो, नॉट को मार्क कर लो,
रूशिल कह रहा है बी, बाकी बच्चों और कुछ क्यों नहीं कह रहे? हर्षिता कह रही है बी, विक्रम कह रहा है बी, मून कह रहा है बी. देखो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में ही प्रोटीन लगे होते हैं तो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, रिक्वायर्स एटीपी, पर सिलेक्टिव होता है ना दोनों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही सिलेक्टिव है, डिफ्यूजन नहीं है सिलेक्टिव. 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? रश्मिता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्ब एंड एब्जॉर्ब? बेटा मेरे को इतना क्लियर नहीं है ये, सॉरी मैं हैक करा दूंगी. बेटा बेटा अपनी ये वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, जो बच्ची कह रही है कि मुझे क्लियर नहीं आ रहा क्वेश्चंस. अरे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अपहिल नहीं है ना, अपहिल ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड थोड़े पे. नेक्स्ट, ओ भाई ज़्यादा पुराना नहीं हो गया, कोई बात नहीं. द मूवमेंट ऑफ आयन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी, सेम ही क्वेश्चन है. मूवमेंट ऑफ आयन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और क्या एक ही तो है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाकी तो विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. 19, वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा? बाहर औरतें बहुत ही कम हैं, क्या होगा? फिर मैंने हिंट दे दिया तुम लोगों को. What will be the direction of flow? जब तुम ये हाइपो में रख दोगे, हाइपो मतलब कम औरतें, अंदर हैं ज़्यादा औरतें तो पानी तो बाहर से अंदर ही जाएगा, औरतों के पीछे ही भागेगा. Water will flow into the cell. Clear? Color your dreams. गलत आंसर क्यों दे रहा है बेटा? 2017, the water potential of pure water is, प्योर वाटर से क्या बनेगा पोटेंशियल बताओ. राज सिद्धि, अपने बेटा वो बढ़ाओ, वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ सेटिंग्स में जाके. वाटर पोटेंशियल बेटा प्योर वाटर का जीरो ही होता है, और जीरो इज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल दैट कैन एवर बी. 2007, ये नहीं चाहिए तुम्हें 2007, देख के डर जाओगे. कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, हटाओ. ये सब पुराने हैं, काय को टेंशन लेनी है, आ जाओ लॉन्ग डिस्टेंस पे करो. 2021, इनकी डेफिनेशन दी हुई है वर्ड्स की, मैच कर दो जल्दी से. अभी इतना इतना दबाव देके इसलिए पढ़ाया है ये वाले स्टेटमेंट्स पे. आओ देखें, कोहेजन इज म्यूचुअल अट्रैक्शन इन वाटर मॉलिक्यूल्स, एडहेजन इज अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सर्फेसिस, सर्फेस टेंशन इज मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, गट्टेशन इज वाटर लॉस इन लिक्विड फेज. क्या बना? पी का 2 क्यू का 4, पी का 2 क्यू का 4 बी बन गया, आर का 1 हाँ बी बन गया. देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर हमें इनकी डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो हम कैसे कर पाएंगे आंसर. आगे चलो. द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज नी 2020. मरियम मैम बायो मॉलिक्यूल करा दो प्लीज. करा दूंगी बेटा, करा दूंगी.
मैम 11th का न्यू बैच भी देख सकता है क्या ये वीडियो? बेटा रक्षित, ये वीडियो देखने का तभी फ़ायदा है, ये वीडियो देखने का तभी फ़ायदा है ये चैप्टर जब आपने डिटेल में पढ़ा हुआ, अगर डिटेल में नहीं पढ़ा तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अरे रूट, इस रूट प्रेशर से आता है ना, गट्टेशन की डेफिनेशन है ना ये, फैसिलिटेटिंग वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, गट्टेशन है तो गट्टेशन रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है। 2019 जाइलम ट्रांसलोकेट्स, जाइलम क्या क्या चीज़ें ट्रांसलोकेट करता है? रिया कह रही है कि मैम आपको सल्यूट, आप इतनी मेहनत कर रहे हो हम लोगों के लिए। रिया को शायद ये नहीं पता कि मेरा भी पेपर है, मेहनत नहीं करूँगी तो मेरे नंबर कैसे आएंगे रिया। जाइलम ट्रांसलोकेट्स वाटर भी करता है, मिनरल भी करता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी करता है, हॉर्मोन्स भी करता है। बेस्ट आंसर यही है, वाटर ओनली नहीं, नहीं, नहीं। आगे 2015 रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, रूट प्रेशर किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करो ना, 16 लिख के फिर आंसर करो, 16th लिख के आंसर करो। एडमिट कार्ड कब आएगा कामिनी? होपफुली जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। रूट प्रेशर भैया एक्टिव एब्जॉर्प्शन, अच्छा तुम लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि वाटर की एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है या आयंस की एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है? देखो ये तो है क्या नहीं, ये आयंस की एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ये क्वेश्चन कि भैया वाटर की क्यों नहीं कर रहा, वाटर तो पैसिवली भाग जाता है उसके पीछे पीछे, शायद इसलिए कि वाटर का मूवमेंट तो हमेशा ही पैसिव होता है, वाटर तो हमेशा ही उससे भागता है ना, पैसिवली भागता है ना, पता नहीं। इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स, यार ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बट मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ। इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स इज कैपिलरी वाटर, बच्चों को बहुत शौक है ऐसे क्वेश्चंस करने क्योंकि उनके जो इंस्टीट्यूट्स के मैनुअल्स हैं उसमें मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ये करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत पुराना है। ट्रांसपिरेशन आ जाओ। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टोमेटा का मूवमेंट किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता? मैम प्लस पर क्लासेस फ्री रहती हैं या चार्ज है? नीलेश मिनिमल सा चार्ज है प्लस पे, प्लस पे एक साल का आई थिंक अराउंड 35-40 हज़ार रुपया चार्ज है, मतलब लेकिन दैट इज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विद एवरीथिंग, विद द टेस्ट, विद द लाइव क्लासेस, विद गाइडेंस, एवरीथिंग, दैट इज़ नॉट फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। स्टोमेटल मूवमेंट टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है, लाइट से भी अफेक्ट होता है। अब ये नहीं तुम्हें पता कि O2 कॉन्सेंट्रेशन और CO2 कॉन्सेंट्रेशन से किससे अफेक्ट होता है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। CO2 कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट होता है, O2 कॉन्सेंट्रेशन से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता। इसको याद कर लो, रट्टा मार लो। 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर कैसे ओपन होता है? वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो स्टोमेटल अपर्चर डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, देखो स्टोमेटल अपर्चर कैसे खुलता है मैं तुम्हें बता देती हूँ, एक बार सीक्वेंस सुन लो। गार्ड सेल जब पिचके होते हैं तो स्टोमेटल अपर्चर बंद होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, गार्ड सेल्स में पोटेशियम अंदर आता है, पोटेशियम के पीछे पीछे पानी अंदर आता है, तो ये ऐसे फूल के कुप्पा हो जाते हैं, ऐसे फूलने से स्टोमेटा खुल जाता है। तो इसके प्रॉपर शेप में ये इस तरीके से बीन शेप हो जाए उसके कुछ रीजंस हैं, जो इनका वो है फाइब्रिल्स है, सेलुलोसिक फाइब्रिल्स है,
वो ऐसे रेडियली अरेंज होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर शेप में खुल पाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है रेडियली अरेंज्ड सेलुलोसिक फाइब्रिल्स पे, ठीक है। प्लस इनकी जो इनर वॉल है वो काफ़ी थिकंड होती है और आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है, तो इन रीजंस की वजह से ये प्रॉपरली ओपन होके इस शेप में आ पाते हैं, ठीक है। अब हम आंसर देख लेते हैं। डिक्रीज इन टर्जिडिटी, नहीं बेटा, ओपनिंग जो होती है वो इंक्रीज, ये टर्जिड सेल्स है ना, ये टर्जिड मोटे हो गए ना, ये फूल गए ना, फूल के कुप्पा हो गए, वही टर्जिड सेल्स होते हैं, ये फ्लैसिड सेल्स हैं, ठीक है। प्लाज्मोलाइज्ड मत बोल देना इनको, फ्लैसिड है ये। डिक्रीज इन टर्जिडिटी, रेडियल ओरिएंटेशन ये सही है, लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन ये गलत है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती किसी वॉल की, ये गलत है। सो आंसर आ गया हमारा बी। ये नोट कर लो डायग्राम अगर नहीं आता तो। आगे चलेंगे। नीट 2016, ये बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन था, पर 16 में सारे क्वेश्चंस अजीब आए थे। वाटर वेपर कम्स आउट ऑफ प्लांट लीफ थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, स्टोमेटा के ओपनिंग से। ये कैसे बनाऊँ यार, मैंने कितना गंदा बना दिया दोबारा बनाती हूँ। स्टोमेटा के ओपनिंग से वाटर वेपर बाहर आता है, थ्रू द सेम ओपनिंग CO2 ऑल्सो डिफ्यूज इन द प्लांट, जिससे वाटर बाहर आ रहा है उसी से CO2 भी अंदर जा रही है, है ना। तो ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल है, रीजन आउट द अबव स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो मैं ये साथ साथ ही करा देती हूँ तुम्हें। द अबव प्रोसेस हैपन ओनली ड्यूरिंग नाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी स्टोमेटा ओपन होता है तो ये प्रोसेस होता है, और स्टोमेटा तो दिन रात दोनों ही खुले रहते हैं, ठीक है, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज तो चलता ही रहता है ना, गलत है। वन प्रोसेस अकर ड्यूरिंग डे एंड अदर एट नाइट, ऐसा कुछ नहीं होता, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, बोथ प्रोसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, गलत है, दे एक्चुअली हैपन साइमल्टेनियसली, साथ में ही चलते हैं, बिकॉज बोथ प्रोसेसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट। इस लाइन को एज सच लर्न कर लो, अगर ये कभी क्वेश्चन रिपीट हुआ इसको देख के मार्क कर देना, दोनों का डिफ्यूजन कॉफिशियंट अलग अलग है और ये एक साथ ही डिफ्यूज करते हैं, इसीलिए एक साथ डिफ्यूज कर पाते हैं। अ कॉलम ऑफ वाटर विद जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं ब्रेक करता, वाई डजेंट अ वाटर कॉलम ब्रेक, क्यों नहीं ब्रेक करता, लिग्निफिकेशन की वजह से ब्रेक नहीं करता, बकवास, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से नहीं करता, बकवास, डिसॉल्व्ड शुगर्स की वजह से नहीं करता, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं करता, टेंसाइल स्ट्रेंथ ही यही है, वेन यू डू नॉट ब्रेक, वेन यू रिजिस्ट अ पुलिंग फोर्स, जब पुलिंग फोर्स आपको तोड़ने की कोशिश करे आप टूट ही नहीं रहे हो। आगे 15, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कैन कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय, बताओ, तुम लोगों को अगर मैं बाकी चैप्टर स्पेशल क्लासेस में रिवाइज करा दूं कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे वो बैठने वाला सेटअप करा नहीं पा रही हूँ, लिखने का मेरे पास इतना अच्छा सेटअप है नहीं, स्पेशल क्लासेस में करा दूंगी, कोशिश करती हूँ यूट्यूब पे कराने की। देखो ट्रांसपिरेशन पुलिंग होती है और रूट प्रेशर पुशिंग होता है, तो आंसर डी बन गया, ठीक है ना। आगे चलो, 2015 कैंसल्ड। विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है सबसे रिसेंट क्या है उसका एक्सप्लेनेशन, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है उसका रिसेंट एक्सप्लेनेशन क्या है, स्टार्च हाइड्रोलिसिस, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। अरे हटाओ गट्टेशन, हटाओ गार्ड सेल्स, हटाओ, अच्छा ये करो तो 2009, गार्ड सेल्स हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, गट्टेशन फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। मैं बस ये क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि गट्टेशन में मत पड़ जाना बेटा, गट्टेशन के लिए अलग से पोर्स होते हैं, ठीक है,
एट द टिप ऑफ ब्लेड, जैसे ये ग्रास ब्लेड है ना, तो ये ग्रास की टिप पे होते हैं हाइडा थोड, यहाँ से ये जो ओपनिंग होती है ना ऐसे, ये सीधा वेन की ओपनिंग सीधा यहीं से टपक जाती है पानी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन ध्यान रखना, रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डज नॉट यूज इन वाटर कॉलम। वाटर कॉलम का रप्चर और फ्रैक्शनेशन क्यों नहीं होता है वेसल्स में? वीक ग्रेविटेशनल पुल है इसलिए नहीं तोड़ पाता उस वाटर कॉलम को, ट्रांसपिरेशनल पुल है इसलिए नहीं तोड़ पाता उस वाटर कॉलम को, लिग्निफाइड थिक वॉल्स है या कोहेजन एडहेजन है, बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी वजह से आ रही है? कोहेजन एडहेजन एंड सर्फेस टेंशन की वजह से। सो या तो वो आंसर टेंसाइल स्ट्रेंथ का आंसर मिलेगा इसका, कि क्यों नहीं टूटता वाटर कॉलम, या कोहेजन एडहेजन का आंसर मिलेगा। पोटो पाटोमीटर नहीं करना हमको, स्टोमेटा हो गया। मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसल इज, लेंटिसल क्या करता है बेटा, लेंटिसल कहाँ होता है और क्या करता है, जरा करो एक बार। लेंटिसल आपकी बार्क में क्रैक्स होते हैं, जो तना होता है ना उसमें ऐसे लेंस शेप के क्रैक्स होते हैं ऐसे, ठीक है, एंड ये गैशियस एक्सचेंज में काम आते हैं। हो गया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये करो। हो ही गए तुम्हारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए। व्हेन वाटर एंटर्स द रूट बाय डिफ्यूजन इट इज टर्म्ड एज, अगर डिफ्यूजन से मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अब तुम्हें, ठीक है। ये कर लो, ये कर लो, फ्लोएम वाला कर लो, लेटेस्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम? शुगर्स की मूवमेंट क्या है फ्लोएम में, बोलिए। एक्चुअली मेरा फोन बंद हो गया, तुम लोगों के मैसेजेस तो मैं पढ़ नहीं पा रही, तो फिर मैं जल्दी जल्दी आंसर कर देती हूँ, मन नहीं करता टाइम देने का कि तुम लोग खुद आंसर करो। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, ध्यान रखो इसको, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखो। जाइलम की मोनो, इसकी बाय। अब ये देखो फिर 2016 का गंदा क्वेश्चन। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वॉज कलेक्टेड कटिंग अक्रॉस अ प्लांट स्टेम बाई सूटेबल मेथड, द सैप वॉज टेस्टेड केमिकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट्स दैट इट्स अ फ्लोएम सैप? जाइलम सैप, फ्लोएम सैप, दोनों होता है। तो कोई सैप फ्लोएम से आया ये हमें कैसे पता चलता है कि वो जो फ्लोएम सैप इज एसिडिक, फ्लोएम सैप इज एल्कलाइन, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सेंस ऑफ शुगर? तो बेटा जो फ्लोएम का सैप है वो एल्कलाइन होता है, इसको थोड़ा याद रख लो, रट्टा ही मार लो, PYQA लर्न कर लो इसको, कि फ्लोएम का सैप हमेशा एल्कलाइन होता है, ध्यान रख लो। इतना प्यारा सा है यार, खाना लेके जा रहा है, क्या करेगा एसिड उसमें जाके, तेजाब थोड़े भी लेके जाओगे खाने की जगह, सेल्स बेचारे भूखे मर रहे, खाना दो, खाना दो, लो एसिड खा लो, ठीक है, नहीं एल्कलाइन होता है प्यारा सा, ठीक है। इन अ रिंग गर्डल्ड प्लांट कौन मरेगा? शूट एंड रूट डाई टुगेदर, नीदर शूट और रूट विल डाई, शूट डाइज फर्स्ट, रूट डाइज फर्स्ट, बोलो, अभी बताया था। किसकी मृत्यु पहले होगी? पहले मृत्यु होगी जिसको खाना नहीं मिलेगा, रूट डाइज फर्स्ट, ऑब्वियसली उसको खाना नहीं मिल रहा, शूट को तो फिर भी वाटर वाटर मिल रहा है क्योंकि जाइलम अभी इंटैक्ट है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, हटाओ हटाओ, ठीक है, बहुत हो गया। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स यूजुअली अकर इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ध्यान रखो। ट्रांसलोकेशन बनती ग्लूकोज के रूप में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के रूप में होती है, और स्टोर स्टार्च के रूप में होती है, ध्यान रखो। चलो आज का चैप्टर करने में आई होप आपको बहुत मजा आया होगा,
और मज़े से ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी नॉलेज रिवाइज हो गई होगी और अब आप इस चैप्टर के लिए तैयार हो। और अब मैं आशा करती हूँ कि आप पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के लिए रेडी हो और अब आप टेस्ट देने के लिए भी रेडी हो इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए। तो कल टेस्ट देने आ जाओ 3 बजे, ठीक है? लिंक जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाओ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करो, ऋतु रतवाल लिखो, वहाँ पर 75,000 बच्चों का एक ग्रुप है, उस पर ज्वाइन कर जाओ, उस पर लिंक दे दूँगी। 3 बजे कल मैं तुम्हारा अच्छे खासे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, 200-300 क्वेश्चंस लेके आऊँगी, करते ही रहना सॉल्व, देखती हूँ तुम्हें कितना आता है, ठीक है? फिर तुम्हारे रिजल्ट्स डिक्लेयर करूँगी, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, ठीक है? और आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मॉक टेस्ट है 3 बजे, मैं बस उसका पेपर मेरे पास सेट है, मुझे थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है, आई विल बी देयर एट 3 PM एंड देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम्हें कितना आता है। पढ़ के आओ NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ के आओ, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तुम लोग, ठीक है? लिंक जो है मैं आपको टेलीग्राम पे देती हूँ, कोशिश करती हूँ इस क्लास के नीचे लिंक डलवा दो इन दोनों मॉक टेस्ट का मैं, ठीक है? कल यूट्यूब पे क्लास लूँगी या नहीं मैं आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पे मैसेज करके बता दूँगी। मुझे लगता है मैं मॉक टेस्ट लूँगी आपका 10 बजे, पर मैं वो भी आपको कन्फर्म कर दूँगी अभी, ठीक है? अनअकैडमी प्लस पे मेरे बैचेस शुरू हो गए हैं, जस्ट अभी स्टार्टिंग है, अभी तुमने कुछ मिस नहीं किया है। तो अगर तुम अपना एक साल में करियर बनाना चाह रहे हो ना, और तुम ये लग रहा है कि मैम ऐसे पढ़ा दो बायोलॉजी की बस, मैम ऐसा ना हो कि एक भी वर्ड मुझे ऐसा लगे कि मुझे आता नहीं NCERT से, मैम ऐसा हो जाए कि मतलब बायोलॉजी की तरह से तो मेरी टेंशन ऐसे हो जाए कि टेंशन ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं जोर लगा दूँ, बायोलॉजी में मैम आप जोर लगा लो सारे, ठीक है? तो मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जस्ट हो रहे हैं अभी स्टार्ट, 2024 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 2023 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अभी 3-4 दिन 30 तारीख तक मेरा ऑफर चल रहा है, जिसमें तुम कोड डाल के RITU 20% ऑफ ले सकते हो 10% ऑफ की बजाय, ठीक है? तो अभी सब्सक्रिप्शन लो और पढ़ाई शुरू करो और मेहनत कर डालो बढ़िया, एक साल में ऐसे चकाचक चमका दो बायोलॉजी, ऐसे चमके कि यू नो तुम्हारे स्कूल के और ऐसे टीचर्स की आंखें चुंधिया जाए, इतनी अच्छी बायोलॉजी कहाँ से पढ़ते हैं बच्चे, समझ रहा? चलो, आई विल सी यू, बाय।